नेक्स्ट अमेंडमेंट पे बात करते हैं। एक नया रूल रूल 10A इंट्रोड्यूस किया गया है, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब आपको बता देता हूँ, जब रजिस्ट्रेशन GST में चालू हुए थे, तो रजिस्ट्रेशन जब चालू हुए थे बेटा, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स देना जरूरी था, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में आपने देखा भी होगा। लेकिन बहुत सी बार बैंक अकाउंट ओपन करने टाइम लग जाता था, या वाटर इट में भी, तो गवर्नमेंट ने बाद में ये कर दिया कि चलो ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं भी दिया, कम ऑन, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने नहीं भी दिया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको RC दे दी जाएगी। ऐसा गवर्नमेंट ने बाद में चेंज किया भी। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब बाद में गवर्नमेंट ने चेंज करने के बाद, ओके, ये रूल 10A लाया गया, और रूल 10A लाया गया कि चलो अगर हमने आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया होगा विदाउट बैंक डिटेल्स, तो आपको बाद में तो बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी ना, ये समझ में आया? तो वो देखो क्या कहते हैं, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रूल 12 और रूल 16 एज द केस में बी, सो एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रूल 12 और 16 एज द केस में बी विद इन 45 days, अंडरलाइन विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ओके फॉर्म REZ06 और डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू फर्निश विच एवर इज अर्लियर ठीक है विच एवर इज अर्लियर फर्निश द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट और एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन कॉमन पोर्टल इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ एनी अदर प्रोविजन। देखो अब देखिए बेटा, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रूल 12, अंडर रूल 12 इफ यू वॉन्ट टू राइट देन फॉर 12 रिलेटेड टू TDS एंड TCS एंड रूल 16 सुमोटो रजिस्ट्रेशन बाय ऑफिसर। मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन TDS TCS का नहीं होगा, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कंपलसरी नहीं करवाया होगा और आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा विदाउट बैंक डिटेल्स, तो आपको 45 दिन में 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ RC जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया, वहाँ से 45 डेज में आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी और डेट ऑन विच रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू बी फर्निश विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर 45 दिन के पहले आपको यहाँ पे GSTR 3B या 39 का GST रिटर्न जो रहेगा, ओके, तो अगर 45 डेज के पहले अगर आपकी रिटर्न की डेट आती होगी, तो वो सिचुएशन में आपको वो रिटर्न की डेट तक आपको अपनी बैंक डिटेल्स कॉमन पोर्टल पे फर्निश करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग मी? एक बार फिर से, ये अमेंडमेंट क्या कहती है? ये अमेंडमेंट ये कहती है कि यहाँ पे बिना बैंक डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पर वो दो लोगों को अलाउड नहीं है। एक, अगर आप TDS और TCS के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या ऑफिसर सुमोटो रजिस्ट्रेशन कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? ऑफिसर सुमोटो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, चलो आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया बिना बैंक डिटेल्स का, उसके बाद में आपको ये बैंक डिटेल्स 45 डेज में या 45 डेज फ्रॉम द RC या फिर आपको ये बैंक डिटेल्स जो है, ओके, अगर आपकी रिटर्न की डेट होगी उसके पहले आपको ये कॉमन पोर्टल पे सबमिट करनी पड़ेगी। सर अगर नहीं दी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो हमने एक कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको याद होगा तो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन में हमने कुछ प्रोविजंस देखी थी। अगर वो प्रोविजंस आपको याद होगी, तो सेक्शन 29 में जो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है बेटा, सेक्शन 29 में, उसमें अलग अलग केसेस दिया गया जहां ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है,
उसमें आपने ओके अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप इनवॉइस इशू कर रहे हो बिना सप्लाई के, या 171 की प्रोविजन कॉन्ट्रवेल कर रहे हो, दैट इज एंटी प्रॉपर्टी मेजर, और उसमें उन्होंने ये डाल दिया कि अगर आपने रूल 10A में, कम ऑन, रूल 10A में अगर आपने 45 दिन में या रिटर्न की डेट के पहले अगर बैंक इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है कैंसिल कर देगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट उन्होंने की रिगार्डिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई बात समझ में बेटा आपको? चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अमेंडमेंट उन्होंने किया। चलो वापस आ जाओ पहले पेज पे, रूल 41A ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज ITC। थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ। रूल 41A का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जैसे पता है कि एक स्टेट में आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, समझ लो अब यहाँ पे इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पहले प्रोविजन ऐसी थी कि अगर आपकी महाराष्ट्र में यहाँ पे दो ब्रांचेस है और दोनों एक ही नेचर का बिजनेस है, ट्रेनिंग, ओके, दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग सर्विस, वी स्मार्ट एकेडमी की समझ लो महाराष्ट्र में दो ब्रांच है, ओके, और दोनों एक ही नेचर का बिजनेस देते हैं और वो एक ही नेचर बेटा ट्रेनिंग। तो अगर पहले ऐसी प्रोविजन थी कि पूरे स्टेट का आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता था, ओके, जब तक आप ये प्रूव नहीं करते हो कि आपका वो सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है, आई बात समझ में? जब तक आप प्रूव नहीं करते हो कि आपका वो सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है तब तक आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता था। अब दोनों जगह अगर मैं ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा हूँ या सेम नेचर का सप्लाई कर रहा हूँ, सेपरेट बिजनेस वर्टिकल नहीं है तो मुझे एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता था। लेकिन ओके, लास्ट ईयर से उन्होंने एक फैसिलिटी लाई, क्या, जो आपके लास्ट अटेम्प्ट को भी अप्लीकेबल थी, क्या फैसिलिटी लाई? अब आप वो सेपरेट नेचर ऑफ बिजनेस हो या सेम नेचर ऑफ बिजनेस हो, आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलो अच्छी बात है, अब मुझे करना है तो मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। बस इसका एक ड्रॉबैक क्या है? इसका ये ड्रॉबैक है कि अगर मैंने यहाँ अलग अलग रजिस्ट्रेशन किया तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है मुझे डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और ये स्टॉक ट्रांसफर वगैरह टैक्सेबल हो सकता है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन दिस टू टैक्सेबल होती है और मुझे दोनों के सेपरेट कंप्लायंसेस करना जरूरी है। लेकिन अब हुआ क्या, पहले मेरा सिंगल रजिस्ट्रेशन था, सिंगल रजिस्ट्रेशन था, फिर मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, सेपरेट रजिस्ट्रेशन में डाल दिया, लास्ट ईयर में। अब बेटा जब मेरा सिंगल रजिस्ट्रेशन था तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दोनों ब्रांचेस का, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दोनों ब्रांचेस का मेरा ITC पड़ा हुआ था 10 लाख रुपए, मेरा ITC पड़ा हुआ था 10 लाख रुपए। लेकिन अब दोनों सेपरेटली रजिस्ट्रेशन होने की वजह से मुझे ये 10 लाख दोनों को बांटना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं जब ITC बांटूंगा तो वैल्यू ऑफ असेट, असेट की जो वैल्यू है उसके बेस पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि वैल्यू ऑफ असेट के बेस पे आपको ये दोनों ITC बांटने पड़ेंगे, क्योंकि अब दोनों अलग अलग हो गए, दोनों के रिटर्न अलग, दोनों के ITC अलग, सब कुछ अलग। तो जो रजिस्टर सेपरेट होने के पहले जो ITC था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अनयूटिलाइज ITC दोनों को बांटना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड 41A आया, देखो क्या कहते हैं, अ पर्सन रजिस्टर पर्सन हु हैज ऑप्टेंड सेपरेट रजिस्ट्रेशन मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 11 एंड हु इंटेंड टू ट्रांसफर इधर वोली और पार्टली अनयूटिलाइज ITC लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू एनी और ऑल ऑफ न्यूली रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस शैल फर्निश विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम ऑप्टेनिंग सच सेपरेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इन ITC 02A इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल इधर डायरेक्टली और थ्रू, यहाँ पे ITC 02A अंडरलाइन करना, इधर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड इन दिस बिहाफ बाय कमिश्नर प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी ट्रांसफर्ड टू न्यूली इंसर्टेड एंटिटी इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर ITC इन दिस टू यूनिट्स, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इन दिस टू यूनिट्स डिपेंड्स ऑन योर वैल्यू ऑफ असेट यू सेपरेटेड। समझ लो दो
ओके, मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे दोनों यूनिट की वैल्यू ऑफ असेट निकालनी पड़ेगी और वो असेट जो डिवाइड हुई है वैल्यू ऑफ असेट उसके रेशियो में मुझे उन दोनों को आईटीसी बांटना पड़ेगा। ओके, तो पहले एक फैमिली थी, अब डिवाइड होगी तो असेट डिवाइड होगी, डिवाइड असेट डिवाइड होगी तो उसका आईटीसी जो है वो आईटीसी भी यहाँ पे ओके डिवाइड कर दिया जाएगा। और आपको 30 दिन के अंदर ओके, यानी जब कहाँ से 30 दिन बेटा, ओके जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 30 दिन के अंदर उसको आपको डिटेल देनी पड़ेगी और वो डिटेल ITC 02A में आपको देनी पड़ेगी। चलो हो गया बड़ा बड़ा अमेंडमेंट, आओगे क्लियर? तो बेटा अमेंडमेंट बस कंसेप्चुअली समझ लो, फटाफट देख लो कि क्या यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए स्पेशली रिलेटेड टू प्रोसीजर। नाउ वैल्यू ऑफ असेट निकालते वक्त उन्होंने ये कहा है कि जब आप वैल्यू ऑफ असेट में ओके इन प्रोपोर्शन डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑफ असेट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंटायर असेट ऑफ द बिजनेस वेदर आर नॉट एलिजिबल फॉर ITC। ख्याल रहे ओके, जब आप वैल्यू ऑफ असेट लोगे तो वैल्यू ऑफ असेट पूरी असेट की वैल्यू लेना पड़ेगा, फिर आपने उसका ITC लिया हो या ना लिया हो। फॉर एग्जांपल कार का ITC आपने नहीं लिया हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ITC आपने नहीं लिया हो, ओके नहीं भी लिया होगा तभी आपको जब ITC डिवाइड करना हो तो डिवाइड करते वक्त आपको असेट की वैल्यू में वो भी असेट लेनी पड़ेगी। ओके कम ऑन, असेट की वैल्यू में वो भी असेट लेनी पड़ेगी जिसका आपने ITC नहीं लिया हो। मतलब क्या, मतलब आपने, आपके पास दो कार थी, एक यूनिट को इधर शिफ्ट कर दी, दूसरे यूनिट में उधर शिफ्ट कर दी, तो वो वैल्यू ऑफ असेट का जब रेशियो निकालोगे तो कार की वैल्यू भी लेना पड़ेगा इवन दो आपने उसका ITC ना लिया हो। यो इमूवेबल प्रॉपर्टी शिफ्ट की होगी तो उसकी भी वैल्यू आपको ओके बायफर्गेट करने के लिए कंसिडर करनी पड़ेगी इवन दो आपने उसका ITC ना लिया हो। आई बात समझ में बेटा? ओके तो ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया कि ट्रांसफरी को वो अनयूटिलाइज ITC, मतलब जो भी नया यूनिट बना है वो नए यूनिट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स दी है। उसके बाद में कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको सेक्शन 29 बताया और सेक्शन 29 में ओके ऑफिसर जब कैंसलेशन करेगा तो उसमें एक ऐड कर दिया उन्होंने और वो क्या ऐड किया बेटा, वो ऐड किया रूल 10A और रूल 10A को उन्होंने ऐड यहाँ पे कर दिया कि अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन रूल 10A के तहत नहीं दी तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसल ऑफिसर कर सकता है। चलिए उसके बाद में एक प्रोविजो उन्होंने ऐड की, एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 29(2) प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर सच पीरियड इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ, ये प्रोविजो 29(2) में ऐड की गई। ये प्रोविजो क्यों 29(2) में ऐड की गई, लेट्स टेक ए एग्जांपल। ओके यहाँ पे आपने, ठीक है, आपने वॉलेंट्रीली खुद ओके या ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया होगा, व्हाट एवर इट मे बी, आपने खुद ओके कैंसिल कर दिया सेक्शन 29 में रजिस्ट्रेशन यू अप्लाइड फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ये अप्लाई किया आपने 10 दिसंबर को कि भाई मुझे आप रजिस्ट्रेशन नहीं रखना है GST में। अब बेटा आपने अप्लाई किया, फिर ऑफिसर चेक करेगा, वेरीफाई करेगा एक्सेट्रा, ओके, और फिर आपको ऑफिसर ऑर्डर देगा, ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन समझ लो, वो ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन 15 जनवरी को दे रहा है, 5th of January 2020 को दे रहा है और आपने 19 में अप्लाई किया कैंसलेशन के लिए। अब उसने ऑर्डर तो दी, तो आप एक्चुअली देखा जाए तो अनरजिस्टर उस दिन से हुए जिस दिन आपको ऑर्डर मिला फॉर कैंसलेशन। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये पीरियड में आप थे तो रजिस्टर्ड ही क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ था, तो जिस दिन अप्लाई किया गया, ओके कम ऑन, जिस दिन अप्लाई किया गया वो अप्लाई के करने के दिन से लेकर जिस दिन ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर के दिन तक ओके क्या करे, क्योंकि हमारा स्टेटस तो रजिस्टर्ड ही रहेगा क्योंकि ऑफिसर ने अभी तक कैंसलेशन ऑर्डर नहीं दी थी, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू था। आर यू गेटिंग मी, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू था। तो अब ये पीरियड में अगर मैं रजिस्टर्ड दूंगा तो जब तक मैं रजिस्टर्ड हूं, क्योंकि GST का एक स्पेशल फीचर है, क्या स्पेशल फीचर है, जब तक मैं रजिस्टर्ड हूं, आप सुन रहे हो,
जब तक मैं रजिस्टर्ड हूँ ओके तब तक जो है मुझे रिटर्न देने जरूरी होते हैं, कंप्लायंस करने जरूरी होते हैं, GSTR 1 या आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट जो भी होगा ओके या ओके रिटर्न 3 और 3B जो भी होगा हमें देना जरूरी हो जाता है। अब मेरा क्या कहना है, मैं क्यों ये सब कंप्लायंसेस करूँ, मैंने तो अप्लाई कर दिया था ना 10 दिसंबर को, अब ऑफिसर जो लेट कर रहा है तो ये पीरियड में मैं क्यों कंप्लायंसेस करूँ, मेरा एक सवाल सिंपल सवाल आपसे है कि मैं क्यों करूँ कंप्लायंसेस। तो गवर्नमेंट कहती बात तो सही है भाई, तूने तो अप्लाई कर दिया था, हमारा ऑफिसर कैंसलेशन के लिए टाइम ले रहा है या हमारा ऑफिसर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो ओके तुझे आगे के कंप्लायंसेस नहीं आने चाहिए। इसलिए नाउ सेक्शन 29 में ओके स्पेशल प्रोविजो लाई गई और प्रोविजो लाई गई सस्पेंशन की, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने कैंसिल करने के बाद जब तक आपका ऑर्डर नहीं आता है ये पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड माना जाएगा। थैंक गॉड ये पीरियड में जैसे ही सस्पेंडेड माना गया, सुनिए बात, ये पीरियड में जैसे ही सस्पेंडेड माना गया तो अब इससे मुझे एक दिलासा मिल गया, क्या कि अब मुझे कंप्लायंस नहीं करने पड़ेंगे ओके, इवन दो मैं रजिस्टर्ड हूं पर सस्पेंडेड रजिस्टर्ड हूं, मुझे ये पीरियड के कंप्लायंसेस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही बात समझ में, तो ये पीरियड में मैं सस्पेंड माना जाऊंगा। देखो क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर सच पीरियड इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वो सस्पेंड हो जाएगा और ये जो है सस्पेंशन होने की वजह से मुझे कोई कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छी बात है, कोई मुझे कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सस्पेंशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर ऑफिसर ओके सस्पेंशन की प्रोसीजर रूल 21 में दी गई थी और ये 21 रूल जो है लास्ट अटेम्प्ट में भी अप्लीकेबल था और 21A में जो ये प्रोसीजर दी गई थी रिलेटेड टू सस्पेंशन बाय नोटिफिकेशन 29 जनवरी 2019 में, उसमें कुछ थोड़ी अमेंडमेंट्स की है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो कौन सी अमेंडमेंट की है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पढ़ता हूँ। पहला, ये 21A पूरा टेक्स्ट यहाँ पढ़ूंगा और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी आपको बताऊंगा। देखिए, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर कैंसलेशन, मैंने तो कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 20, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ओके थैंक्स, कि क्या जिस दिन मैंने अप्लाई कर दिया उस दिन ये मान लिया जाएगा कि मेरा अब रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन में चले गया, और डेट फ्रॉम विच कैंसलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर। हाँ, अब डेट फ्रॉम विच कैंसलेशन इज सॉट मत का मतलब क्या, अब ये नया वर्ड डाल दिया गया। अब क्या हुआ, एक टेक्निकल डिफेक्ट है, आज मैं कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ पर कैंसलेशन के एप्लीकेशन में मैं डेट दे रहा हूँ ओके, कि भाई मैं जैसा ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि मैंने अप्लाई किया बेटा, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, मैंने अप्लाई किया 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने डेट दी 10 दिसंबर कि मैं ये कैंसलेशन 10 दिसंबर से करना चाहता हूँ। कब से करना चाहता हूँ बेटा, 10 दिसंबर से कैंसलेशन करना चाहता हूँ, यानी ओके आई वांट टू सॉर्ट दैट कैंसलेशन फ्रॉम 10 दिसंबर, कैंसलेशन 10 दिसंबर से करना चाहता हूँ, मतलब अप्लीकेशन मैं 1 दिसंबर का दे रहा हूँ लेकिन कैंसलेशन मैं 10 दिसंबर से करना चाहता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा सस्पेंशन 10th दिसंबर से माना जाएगा एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आर यू गेटिंग मी, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मेरा सस्पेंशन 10th दिसंबर से माना जाएगा। तो अगर मैंने उसमें कोई डेट नहीं दी होगी तो जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दिया उसी दिन मेरा सस्पेंशन माना जाएगा, और अगर उसमें मैंने कोई डेट दी होगी कमॉन तो मेरा सस्पेंशन उस दिन से माना जाएगा जिस दिन मैंने कैंसलेशन के लिए डेट डाली है। ओके पेंडिंग द कंप्लीशन प्रोसीडिंग फॉर कैंसलेशन, चलो आया पहला पॉइंट समझ में आपके। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कैंसलेशन इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट द प्रॉपर ऑफिसर मे आफ्टर गिविंग हियरिंग सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज डिटरमाइंड बाय हिम। अब देखो पहला सब रूल क्या कहता है कि मैंने अप्लाई किया फॉर कैंसलेशन, इमीडिएट कैंसलेशन तो होता नहीं है, मैंने अप्लाई किया फॉर कैंसलेशन, ऑफिसर अपना टाइम लेगा तब तक मेरा रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंशन में रहेगा। दूसरा सब रूल क्या कहता है, दूसरा सब रूल ये कहता है कि चलो मैंने नहीं अप्लाई किया, ऑफिसर ने मुझे कैंसलेशन
ऑफिसर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा है कैंसलेशन की, क्योंकि मैंने कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर दिए ओके सेक्शन 29 के, इसलिए ऑफिसर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा है, तो ऑफिसर भी इमीडिएट कैंसल नहीं करता है ओके वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है ओके तब तक आपका जो है सस्पेंड किया जाएगा जब तक उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होती है। नाउ अब नेक्स्ट क्या कहता है, सच पर्सन शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्या कहते हैं, जब आप सस्पेंशन पीरियड में हो तब तक आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करोगे सस्पेंशन, एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न। बहुत अच्छी बात है, आपको रिटर्न देने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा मैं आपको ये बात समझा देता हूं। समझ लो आपने अप्लाई किया, अप्लाइड फॉर कैंसलेशन, अप्लाइड फॉर कैंसलेशन आपने अप्लाई किया 10 दिसंबर को, और आपका कैंसलेशन ऑर्डर है 15 जनवरी का, 15 जनवरी का 2020। ध्यान से सुनना है प्रोविजन, कैंसलेशन ऑर्डर, सॉरी मैं ये कहूँगा ऑर्डर, बाय ऑफिसर, ठीक है। अब ये पीरियड में आपका, ये पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो सस्पेंशन में रहेगा। हाँ, अब सस्पेंशन में रहेगा मतलब क्या, ओके कि ये पीरियड में आपको कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, क्या सवाल है, ये पीरियड में क्या मैं सप्लाई करना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ सप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या मैं ये सप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले प्रोविजन ये थी कि नहीं, आप ये पीरियड में सप्लाई भी नहीं कर सकते और टैक्स इनवॉइस भी नहीं दे सकते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। आप रजिस्टर्ड हो लेकिन जो है आप सप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी सेल, बार्टर, एक्शन, लीज, रेंटल, डिस्पोजल या कोई भी सर्विस नहीं दे सकते, और आप टैक्स इनवॉइस भी नहीं दे सकते। चलो आपकी बात मान ली, नहीं करेंगे क्योंकि सस्पेंशन में है, इसलिए हम ऐसा कोई भी सप्लाई नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग मी? अब दूसरा सवाल क्या है बेटा, यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि मैं सप्लाई नहीं करूँगा, टैक्स इनवॉइस भी नहीं दूंगा, लेकिन बाद में ऑफिसर ने मेरा कैंसलेशन एप्लीकेशन, कैंसलेशन जो एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन जो दिया था, वो दो बातें हो सकती है, वो रिवोक कर ले या फिर वो कैंसल कर दे, कैंसल कर दे बाय ऑर्डर। अब कैंसल कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कैंसल कर दे तो दिक्कत नहीं है, पर वो रिवोक कर ले कैंसलेशन, वो कहेगा नहीं नहीं मैं कैंसिल करता नहीं हूँ, वो रिवोक कर ले कि जब नहीं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं है। अगर उसने रिवोक कर लिया, आई रिपीट, अगर उसने रिवोक कर लिया तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपने मुझे सप्लाई करने नहीं दिया वो पीरियड में और कैंसिल भी नहीं हुआ, मेरा तो नुकसान कर दिया, आपका भी नुकसान हो गया, मेरा भी नुकसान कर दिया गया, मुझे रोक के रखा गया, अब आप मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर भी नहीं रहे, अब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे तो वो पीरियड का मैंने सप्लाई भी खो दिया, और वो पीरियड का मुझे रजिस्ट्रेशन भी देना है, वो पीरियड के मुझे रिटर्न भी देना है ड्यूरिंग दिस सस्पेंशन पीरियड, मुझे सब कंप्लायंस भी करना है। ये क्या बात हुई कि रोक के रखा था, वो पीरियड में हमने कोई कंप्लायंस किए भी नहीं क्योंकि सस्पेंशन में था, फिर हमारा सस्पेंशन जो है ओके आपने रिवोक कर लिया, आपने कहा कि नहीं ओके आपका कैंसिल नहीं किया जाएगा, फिर हमारे लिए तो दिक्कत कर दी कि नुकसान भी कर दिया सप्लाई का, और अभी हम कंप्लायंसेस भी आपको हमें करने पड़ रहे। गवर्नमेंट ने कहा हाँ बात तो सही है कि नुकसान भी होगा और कंप्लायंस भी करने पड़ रहे, तो गवर्नमेंट ने एक ओके यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन लाया, और वो एक्सप्लेनेशन क्या लाया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये लाया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल द एक्सप्रेशन शैल नॉट मेक अ टैक्सेबल सप्लाई शैल मीन दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस अकॉर्डिंगली एंड नॉट चार्ज टैक्स ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि चलो हम आपको अमेंड करके देते हैं, शैल नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाई का मतलब shall not make taxable supply, taxable supply का मतलब ये हुआ
कि आप cannot issue tax invoice, cannot issue tax invoice or and cannot collect tax, cannot collect tax, cannot collect tax. मतलब क्या बेटा, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम निकालना होगा तो एक पेज पे निकाल पे यहाँ चिपका देना तो बाद में आपको याद आ जाएगी, ठीक है. cannot collect tax मतलब क्या हुआ कि आप सप्लाई तो कर सकते हो. अमेंडमेंट देखो क्या हुई, ये एक्सप्लेनेशन क्या ऐड हुआ, ये एक्सप्लेनेशन अब ये ऐड हुआ कि आप सप्लाई कर सकते हो. कम ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड आप सप्लाई तो कर सकते हो लेकिन इनवॉइस मत देना, है ना. गवर्नमेंट ने आपके बारे में सोचा, क्योंकि पहले क्या था, आप सप्लाई नहीं कर सकते थे. फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, एक्सप्लेन किया कि नहीं 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 आप सप्लाई करो, आपको जो सप्लाई करना है सप्लाई करो. यानी ओके, गुड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, गुड्स कैन बी सप्लाइड, गुड्स और सर्विसेस कैन बी सप्लाइड बट ओके, वो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस मत देना और टैक्स कलेक्ट मत करना. आप इनवॉइस सप्लाई करो, माल बेचो, सर्विसेज दो, पर इनवॉइस मत दो. ओके, ये पीरियड में मतलब हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपके कस्टमर जा रहे हैं ओके, क्योंकि हम अगर आपको रोक देंगे तो कल आप चिल्लाओगे हमारे पे. तो ठीक है, आप गुड्स को बेचो और गुड्स को बेचने के बाद आप बस इतना करना कि इनवॉइस टैक्स इनवॉइस मत देना और कलेक्ट मत करना. ओके, और कोई रिटर्न वगैरह भी सबमिट मत करना, कोई रिटर्न या कोई प्रोसीडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है. फिर क्या, फिर ऐसे पीरियड में अब आगे देखो वो क्या कहते हैं. द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर वन और टू शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग बाय प्रॉपर ऑफिसर अंडर रूल 22 एंड रिवोकेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच सस्पेंशन हैड कम इन टू इफेक्ट. मतलब आपका जो सस्पेंशन दिया गया वो सस्पेंशन जो है वो रिवोक कर दिया, समझ लो ऑफिसर ने. अब रिवोक कर दिया मतलब क्या बेटा, जनरली आपने खुद ने अप्लाई किया होगा तो वो रिवोक नहीं होगा, पर अगर ऑफिसर ने फोर्सफुली आपका कैंसिल किया होगा, ऑफिसर इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग अंडर सब रूल 2, ऑफिसर ने प्रोसीडिंग इनिशिएट की, आर यू गेटिंग मी. और ऑफिसर ने प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद, ध्यान से सुनना, ऑफिसर ने प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद वो सस्पेंशन में रहा. अब सस्पेंशन में रहा तो ना आप सप्लाई कर सके ओके, और कुछ नहीं कर सके. तो फिर एक एक्सप्लेनेशन आया कि ठीक है, ऑफिसर ने जबरदस्ती की हुई है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है. तो ऐसे सिचुएशन में आप सप्लाई तो करो पर टैक्स इनवॉइस मत देना और टैक्स कलेक्शन भी मत करना ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन. लेकिन बाद में आपका रिवोक कर लिया गया, मतलब आपका ओके जो सस्पेंशन था वो विड्रॉ कर लिया गया और आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर दिया गया, आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर दिया गया. तो आपका इफेक्टिव डेट उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन सस्पेंशन दिया गया. तो आपको सस्पेंशन दिया गया था 10 दिसंबर से, तो आप इफेक्टिव डेट 10 दिसंबर से माने जाएंगे. ओ तेरी, अगर अब यहाँ पे मेरा सस्पेंशन रिवोक हो गया, सस्पेंशन रिवोक हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो गया, मेरी बात सुन रहे हो, मेरा सस्पेंशन रिवोक हो गया और रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो गया, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो गया, तो अब मैं वापस से रजिस्टर पर्सन उसी दिन से मान लिया जाऊंगा जिस दिन सस्पेंशन मिला. अब गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ होगी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब पूरे टैक्स इनवॉइस देने पड़ेंगे, सबके रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे ओके, उसके बाद में उसके जीएसटी देना पड़ेगा. चलो जीएसटी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी कंप्लायंसेस तो करने पड़ेंगे. तो नहीं, उन्होंने आप आगे देखो क्या कहा, उन्होंने ये कहा, वेयर एनी ऑर्डर हैविंग इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, अगर आपको ऑर्डर आ गई और रिवोकेशन की ऑर्डर आई, कैंसलेशन की नहीं, रिवोकेशन की ऑर्डर आई, अब रजिस्ट्रेशन हैज बीन पास, द प्रोविजन ऑफ 33(1)(a) मतलब रिवाइज इनवॉइस, लिख दो यहां पे रिवाइज इनवॉइस, रिवाइज इनवॉइस, और सेक्शन 40 यानी फर्स्ट रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड प्रोसीजर्स स्पेसिफाइड देयर इन शैल अप्लाई. मतलब क्या, बहुत अच्छा दिया. अब उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम आपका सस्पेंशन तो विड्रॉ उसी दिन से मान लेंगे जिस दिन आपको सस्पेंशन दिया, क्योंकि आपका सस्पेंशन रिवोक हो गया, आपको वापस बहाल कर दिया गया आपका रजिस्ट्रेशन. चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन वापस बहाल हो जाए, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन अगर हमने सप्लाई किए होंगे, आई रिपीट, हमने सप्लाई किए होंगे, तो आप क्या करें, क्या सबके रिटर्न फाइल करें? नहीं, गवर्नमेंट कहती है कोई ज़रूरत नहीं सबके रिटर्न फाइल करने की. ओके, जिस दिन आपको रिवोकेशन ऑर्डर आ गया, ओके, आपको रिवोकेशन ऑर्डर आ गया, आपका आपको वापस बहाल कर दिया गया,
रिवोकेशन ऑर्डर आ गया, तो रिवोकेशन ऑर्डर आने के बाद इसके आगे, ध्यान से सुनना, इसके आगे तो जो भी सप्लाई आपने सस्पेंशन पीरियड में किया होगा उसका ओके रिवाइज इनवॉइस, यानी कौन सा सेक्शन था बेटा, ओके 31(3)(a) 31(3)(a) के तहत आपको रिवाइज इनवॉइस देने पड़ेंगे। और रिवाइज इनवॉइस आपको याद आ रहा है, रिवाइज इनवॉइस ओके जो पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड होते हो वो पीरियड में अगर आपने सप्लाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन आने के बाद आपको आप पुराने रिवाइज इनवॉइस देते हो, आर यू गेटिंग मी? अगर आपको याद नहीं होगा तो इमीडिएट जाके प्रोविजन पढ़ो पहले रिवाइज इनवॉइस की और बाद में ये कंसेप्ट सुनना। तो ऐसे सिचुएशन में एग्जैक्टली वही प्रोसीजर ली गई, ओके आपको याद होगा तो जब से मैं लायबल हुआ, कुछ याद होगा तो जब से मैं लायबल हुआ टिल द डेट ऑफ आरसी, जब से मैं लायबल हुआ टिल द डेट ऑफ आरसी, अगर मैंने कोई सप्लाई किया होगा तो उसकी रिवाइज इनवॉइस आरसी आने के बाद एक महीने के अंदर देने पड़ते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई होगी कि ड्यूरिंग सस्पेंशन मैंने कोई भी सप्लाई किया होगा, कब ड्यूरिंग सस्पेंशन मैंने कोई भी सप्लाई किया होगा तो अब पुराना कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, वो सस्पेंशन पीरियड का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, बस एक काम करना कि जैसे ही आपका रिवोकेशन आ गया उसके बाद आप जो भी सप्लाई किए हो लास्ट पीरियड में उसके रिवाइज इनवॉइस इशू कर देना। और सेक्शन 40 है फर्स्ट रिटर्न, ओके तो फर्स्ट रिटर्न, तो अब फर्स्ट रिटर्न यानी क्या, मतलब यहाँ पे जैसा सेक्शन 40 का फर्स्ट रिटर्न का कंसेप्ट आपको याद होगा तो वो ये कह रहे हैं कि अब रिवोकेशन के बाद जो पहला रिटर्न आएगा, रिवोकेशन के बाद जो पहला रिटर्न आएगा वो पहले रिटर्न में ये पूरे सप्लाई बता देना, आई रिपीट, रिवोकेशन के बाद जो पहला रिटर्न आएगा वो पहले रिटर्न में आपको ये सब डिटेल्स दे देनी है। मतलब ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड आपको रिटर्न्स नहीं फाइल करने हैं, आई रिपीट, ड्यूरिंग दिस सस्पेंशन पीरियड आपको रिटर्न्स नहीं फाइल करने हैं, ओके आप जो भी सप्लाई आपने किए हैं वो आप जो भी पहला रिटर्न फाइल करोगे रिवोकेशन के बाद, ओके वो पहले रिटर्न में आपको पूरी डिटेल्स दे देनी है। तो ये था बेटा ओके छोटी छोटी अमेंडमेंट्स, एक बार फिर से समझ लो, अगर आपने सस्पेंशन आपने कैंसलेशन की अप्लाई किया है या ऑफिसर ने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी तो इमीडिएट आपको सस्पेंशन मिल जाएगा। सस्पेंशन के बाद आप सप्लाई तो कर सकते हो पर टैक्स इनवॉइस और आप रिटर्न नहीं दोगे और टैक्स भी कलेक्ट नहीं करोगे। फिर ऑफिसर की ऑर्डर आएगी, ऑफिसर ने अगर आपका कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, कम ऑन, ऑफिसर ने आपका ओके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपका रिवोक कर दिया, रिवोक कर दिया मतलब आपका सस्पेंशन ओके जो था वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन वापस बहाल कर दिया, बहाल कर दिया मतलब वापस दे दिया। अब वापस दे दिया तो आप क्या करें ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड का, तो ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड का आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी सप्लाई आपने सस्पेंशन पीरियड में किए होंगे ओके वो सप्लाई के इनवॉइसेस जो है वो इनवॉइसेस आप जो है बाद में दे सकते हो अंडर द कंसेप्ट ऑफ रिवाइज इनवॉइस, डू यू रिमेंबर? तो पहले आपका कमर्शियल इनवॉइस गया होगा, टैक्स इनवॉइस नहीं गया होगा, कमर्शियल इनवॉइस गया होगा और उसके बाद में आप रिवाइज इनवॉइस ओके वो पीरियड के वापस दे सकते हो। उसके बाद में बेटा सेक्शन 40 और ये पीरियड के रिटर्न आपको अलग से फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पीरियड का ओके जो भी डिटेल्स होगा तो रिवोकेशन के बाद वापस रजिस्ट्रेशन बहाल होने के बाद जो भी आपका यहाँ पे पहला रिटर्न जाएगा पहले रिटर्न में आपको सभी डिटेल्स देना पड़ेगा। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर देखा। वेल बेटा तो हम अमेंडमेंट्स देखेंगे ऑन एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई विच आर अप्लीकेबल फॉर मे 2020 एग्जामिनेशंस, वैसे कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, कुछ एग्जिस्टिंग एंट्रीज में अमेंडमेंट्स है और कुछ एंट्रीज नहीं आई हैं। ओके तो चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। लीगल सेक्टर में जो अमेंडमेंट्स हुई है आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था बाहुबली की तबीयत खराब हुई, हेल्थ केयर, पूजा पाठ में लग गया रिलीजियस और चैरिटेबल, फिर खेती का बंटवारा किया एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर लॉयर को बुलाया लीगल सेक्टर। तो लीगल सेक्टर में क्या अमेंडमेंट हुई, जैसे आपको ये तो मैंने चार्ट बना के दिया था अगर आपको याद होगा तो, लेट्स टेक एग्जाम्पल, चलो आप भी चार्ट बना लो मेरे साथ, नीचे
जगह रखी है तो वो पूरा चार्ट पहले रिवाइज कर देता हूँ और फिर अमेंडमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्विस बाय, सॉरी मेरे साथ आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा, लीगल सर्विस बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, चार्ट बनाते वक्त आपको याद आ जाएगा एडवोकेट, और फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। हमने आपको याद होगा तो फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर फर्स्ट पार्ट, ज्यादा स्पेस रखना फर्स्ट पार्ट के लिए, तो चार पार्ट्स आएंगे। पहला सर्विस सप्लाइड, कुछ याद है आपको, टू बिजनेस एंटिटी, सर्विस सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी। सेकंड, सर्विस सप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। तीसरा, सर्विस सप्लाइड टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। और गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। और लास्ट, सर्विस सप्लाइड टू अनादर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। तो ये तो एग्जम्प्टी है बेटा, ये तो एग्जम्प्टी है। ये भी एग्जम्प्ट है। सो, ये तीन केसेस में एग्जम्प्शंस मिलेंगे, ये हमने देखा। ब्लैक कॉफी है, ओके। सो ये तीन केसेस में तो एग्जम्प्शंस मिलेंगे, ये हमने पहले पढ़ा है। सेम एग्जम्प्शन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में। लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते थे, बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देते थे, तो उसमें दो पार्ट थे, अगर आपको एग्जम्प्शन याद होगा तो। और रेगुलर बुक सामने रखा तो आपको एग्जम्प्शन याद आ जाएगा, अगर आप रेगुलर बुक साथ में देख रहे होगे तो। अगर आपने मेरा क्लास किया होगा या किसी और का भी क्लास किया होगा तो भी याद आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो बेटा क्या था कि अगर इंडिविजुअल एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, तो वो केस में आरसीएम था। और आरसीएम में टैक्स देने की जिम्मेदारी बिजनेस एंटिटी पे थी, तो आरसीएम में होने के वजह से सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी था, 30 दिन के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। आप मेरी बात समझे? तो बेटा इसमें क्या था, प्रॉब्लम ये था कि अगर लीगल सर्विस आप लेते हो और ये लीगल सर्विस इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट से लेते हो, तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी पे आती थी। और बाकी एडवोकेट अगर सर्विस नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे, गवर्नमेंट को दे रहे या अनदर एडवोकेट को दे रहे, तो एग्जम्पशन ही था। अब क्या हुआ था कि दो बिजनेस एंटिटी नॉर्मली दो टाइप की होती थी, एक स्मॉल और एक मीडियम या लार्ज, मीडियम और लार्ज। अब मीडियम और लार्ज मतलब कौन सी,
जिनके जो जीएसटी में रजिस्टर है, जो थ्रेशोल्ड नहीं ले रहे हैं, तो वो तो उनको उनको कोई दिक्कत नहीं थी भाई रिवर चार्ज में, क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है, रिवर चार्ज में टैक्स दो और क्रेडिट ले लो, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, समझ लो एक छोटा पान शॉप वाला है, उसने लोकल अथॉरिटी, उसने कोई एडवोकेट सर्विस ली, अब उसने कोई एडवोकेट सर्विस ले ली तो रिवर चार्ज में उसे रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है, उसका क्या टर्न ओवर है, 5 लाख का टर्न ओवर है बेचारे का, और 5 लाख के टर्न ओवर स्मॉल बिजनेस एंटिटी है, पर रिवर चार्ज के कंप्लायंसेज आ जाते हैं, रिवर चार्ज उसको डिस्टर्ब कर देता है। मेरी बात समझ में आया? अब वो रजिस्ट्रेशन अगर लेगा तो बचा हुआ 15 लाख, अभी तक तो वो अनरजिस्टर्ड था, थ्रेशोल्ड में था, तो बचा हुआ 15 लाख जो है बेटा, ये 15 लाख बचा हुआ, ओके, क्योंकि उसको थ्रेशोल्ड 20 लाख तक अवेलेबल होता था, तो बचा हुआ 15 लाख जो है वो 15 लाख अननेसेसरी लायबिलिटी में आता था, जीएसटी के कंप्लायंस करने पड़ते थे, जीएसटी के कंप्लायंस करने पड़ते थे, ये सारी बातें थी। तो स्मॉल बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को पूछा, क्या हम एडवोकेट सर्विस ले नहीं सकते, क्या हम छोटे लोग हैं इसलिए हमको हक नहीं बनता एडवोकेट सर्विस लेने का, ये क्या बात हुई भाई, ये बात क्या हुई, हमें समझ में नहीं आई, हमें एडवोकेट सर्विस जो है चाहिए, पर अब बिजनेस एंटिटी है, रिवर चार्ज में लायबिलिटी कहाँ से क्रिएट करने लगे, कल जाके अगर कोई एडवोकेट से हमने एफिडेविट बना लिया और उसको पेमेंट कर दिया तो कंपलसरी रिवर चार्ज में, ये कोई बेतुकी बात हुई यार, बात कुछ समझ में नहीं आई। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा चलो भाई स्मॉल लोगों को हम एग्जम्पशन देने के लिए रेडी है, स्मॉल लोगों को एग्जम्पशन देने के लिए रेडी है, मतलब अगर वो स्मॉल एंटिटी होगी तो चलो भाई ये सर्विस ही एग्जाम कर देते हैं, अगर सर्विस की एग्जाम करते हैं तो ये माथापच्ची ही खत्म हो जाती है, मतलब रिवर चार्ज में कोई टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि रिवर चार्ज फॉरवर्ड चार्ज तो तब आएगा जब लायबिलिटी होगी, जब एग्जम्प्टी कर दिया तो लायबिलिटी किस बात की। तो पुरानी प्रोविजन ऐसी थी कि जो सर्विस ले रहा है बिजनेस एंटिटी, उसका प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर, कम ऑन, उसका प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 10 लाख उससे कम होगा, पर प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में, तो फिर एग्जम्प्ट रहेगा और रिवर चार्ज नहीं अप्लाई होगा, तो फिर उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा, और एग्जम्पशन मिल गया तो रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा। आई बात समझ में? ये प्रोविजन थी, लेकिन हुआ क्या? अब पहला रीजन, उन्होंने पहला, अब हुआ क्या, 20 लाख और 10 लाख हुआ यू बेटा कि क्या हुआ, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिमिट बदल रही है, ओके, कहीं पे 10 लाख है, कहीं पे 20 लाख है थ्रेशोल्ड लिमिट, और कहीं पे अभी 40 लाख कर दिया है। 40 लाख कहाँ की आपको पता है? सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए अगर शर्तें पूरी होती है तो सेक्शन 23 में एक नोटिफिकेशन दिया 10-2000, यहाँ पे 18, और उसमें इन्होंने यहाँ नोटिफिकेशन में उन्होंने यहाँ 10-2019 के नोटिफिकेशन में उन्होंने यहाँ पे एग्जम्पशन दे दिया, ओके, और 40 लाख का। तो भाई गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये एग्जम्पशन चेंज कर रही है, थ्रेशोल्ड चेंज कर रही है, पर हमने तो फिक्स करके रखा था 20 लाख और 10 लाख। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये बिजनेस एंटिटी, ओके, ये बिजनेस एंटिटी जो है 20 लाख का थ्रेशोल्ड दे रही है प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में, उसका टर्न ओवर प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में उसका टर्न ओवर, ओके, 40 लाख तक है, और 40 लाख में होने की वजह से वो यहाँ पे एग्जम्पशन ले रही है। अब 40 लाख का एग्जम्पशन ले रही है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने क्या कह दिया, आपने तो 20 लाख की लिमिट दी रिवर चार्ज में, ओके, एडवोकेट से सर्विस लेते तो 20 लाख की लिमिट ले दी है, यानी अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि 20 लाख के बाद अगर उसका टर्नओवर हुआ, सुनिएगा, 20 लाख के बाद उसका अगर टर्नओवर हुआ तो वो रहेगा, वैसे तो वो अनरजिस्टर्ड रहेगा क्योंकि उसको एग्जम्पशन 40 लाख है, पर रिवर चार्ज में जो है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, स्पेशली 20 लाख के बाद, क्योंकि वो 40 लाख की लिमिट लेने वाला था पर रिवर चार्ज में की वजह से उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लीगल सर्विस में 20 लाख और 10 लाख ही आपने दिए, तो बेचारा तो रजिस्ट्रेशन में फंस जाएगा। और ओके, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में अब बहुत से स्टेट 10 लाख से 20 लाख में आ गए,
तो वो भी बेचारे फंस जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा छोड़ भाई यार, ये 10 लाख 20 लाख ऐसे अमाउंट नहीं यूज़ करते हैं, ओके, और उसके जगह एक नया वर्ड डाल देते हैं। तो उन्होंने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहो या एडवोकेट सर्विस कहो या सीनियर एडवोकेट सर्विस कहो, ओके, उन्होंने लिमिट क्या डाल दी। अब उन्होंने 10-20 लाख को काट दिया और उन्होंने कहा कि सच अमाउंट, देखो ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, थोड़ा पढ़ता हूँ, ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST एक्ट। मतलब वो बंदे का पिछले साल का अगर एग्रीगेट टर्नओवर, सुनिएगा, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर उतने लिमिट तक ही था जो उसे एग्जम्पशन दिलवाता था, उतने ही लिमिट तक का था जो उसे एग्जम्पशन दिलवाता था, लीगल सर्विस में भी सेम अमेंडमेंट किया, तो वो बंदा अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी लीगल सर्विस लेगा तो यहाँ पे उसके ऊपर GST नहीं आएगा। एक बार फिर से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पिछले साल उसका एग्रीगेट टर्नओवर उतने लिमिट तक था जो उसे एलिजिबल करवाता था फॉर एग्जम्पशन, तो फिर वो 10 लाख होगा तो 10 लाख, 20 लाख होगा तो 20 लाख, 40 लाख होगा तो 40 लाख, तो उतने लिमिट तक उसे अगर एलिजिबल करवाता है फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे सिचुएशन में करंट ईयर में वो अगर लीगल सर्विस लेता है तो वो सिचुएशन में GST नहीं आएगा। अब आपको ये पता है कि 40 लाख का जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, सुनिए मेरी बात, 40 लाख का जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ किसके लिए है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए 10 या 20 ही है, और जो 40 लाख का एग्जम्पशन सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है उसमें भी बहुत स्टेट्स उसके लिए रेडी नहीं है, ओके, बहुत से स्टेट में तो 20 लाख का ही है, जैसे मणिपुर, मेघालय 10 लाख का है, ओके, उसके बाद में अगर आप ये देखें तो उत्तराखंड वगैरह जो है, ओके, उन वहाँ 20 लाख है, उन्होंने 40 लाख की लिमिट नहीं ली है, वाटर रेट में भी। तो गवर्नमेंट कहती है हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है, हमें बस इतना मालूम है कि आपके स्टेट में अगर आपने उतने ही टर्नओवर तक, ओके, उतने ही टर्नओवर तक अपना एग्रीगेट टर्नओवर किया, उतने ही वैल्यू तक आपने एग्रीगेट टर्नओवर किया जो आपको एग्जम्पशन में रखता था, तो ऐसे सिचुएशन में करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको, आई रिपीट, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको जो है लीगल सर्विस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस हो या फिर ये सर्विस हो। थोड़ा मैं इसका एनालिसिस और करूँगा बेटा, ओके, पर शायद आपको समझ में आया होगा, ओके, तो ये कन्फ्यूजन उन्होंने अवॉइड किया। तो थोड़ा मैं पहले पार्ट वाले चार्ट में चेंज कर देता हूँ, और ये पहले वाला चार्ट जो है बाकी तो सेम एग्जैक्टली वैसे ही है, तो पहला वाला पार्ट कैसे चेंज होता है तो लिखो, इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ PFY अप टू सच अमाउंट विच अप टू सच अमाउंट विच मेक्स इट एलिजिबल एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। पिछले साल उसने उतने ही लिमिट तक टर्नओवर किया जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता है, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, कम ऑन, मतलब बिलो थ्रेशोल्ड, फिर थ्रेशोल्ड 10 लाख हो, 20 लाख हो या 40 लाख हो, डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरोस, राइट डाउन, सर्विस इज एग्जम्प्टेड, सर्विस इज एग्जम्प्टेड एंड RCM इज नॉट एप्लीकेबल, सर्विस इज एग्जम्प्टेड एंड RCM इज नॉट एप्लीकेबल एंड सेकेंड पार्ट
इन अदर केस सिंपल वर्ड, इन अदर केस मीन्स दैट इज टर्न ओवर मोर देन थ्रेशोल्ड, दैट इज एग्रीगेट टर्न ओवर मोर देन थ्रेशोल्ड then service is taxable, aggregate turnover more than threshold, downward arrow, service is taxable and RCM is applicable, service is taxable and RCM is applicable. तो बेटा ये अमेंडमेंट उन्होंने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भी किया, सेम अमेंडमेंट उन्होंने एडवोकेट की लीगल सर्विस के लिए भी किया, यहाँ पे एडवोकेट की लीगल सर्विस के लिए भी किया। और नेक्स्ट पेज पे अगर आओगे तो सीनियर एडवोकेट अगर देता है, आपको याद है सीनियर एडवोकेट के लिए थोड़ा डिफरेंस है, एग्जाम्पशन के पहले पढ़ लेना बेटा थोड़ा। सीनियर एडवोकेट के लिए एक डिफरेंस ये है कि अगर सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस देता है, सुनिए मेरी बात, सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस देता है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन हाँ, दूसरा एडवोकेट अंडर बिजनेस एंटिटी, ओके, ये थ्रेशोल्ड वाला एग्जम्पशन ले सकता है। ओके, तो सीनियर एडवोकेट के लिए भी उन्होंने जो है यहाँ पे सेम अमेंडमेंट किया, हर जगह से 20 लाख और 10 लाख निकाल कर, आई रिपीट, हर जगह से 20 लाख और 10 लाख निकाल के उन्होंने वर्ड डाल दिए अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर which makes it eligible for exemption from registration. Okay, यहाँ पे तो ये तीनों में उन्होंने चेंजेस करवा दिए। चलिए, लेकिन मैं थोड़ा इसको एनालिसिस करना चाहता हूँ। पहला एनालिसिस यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड में होगा, मतलब which make them eligible for exemption from registration, simple word में preceding threshold में होगा, maybe 10 lakhs, maybe 20 lakhs, maybe 40 lakhs in certain cases, और ये बंदा legal service individual advocate से legal service लेगा current financial year में legal service लेगा, तो वो जो है लीगल सर्विस करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्पशन मिलेगा। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो एग्जम्पशन करंट फाइनेंशियल में ईयर में है, पर इस शर्त पे है कि पिछले साल वो थ्रेशोल्ड के नीचे होना चाहिए, मतलब ऐसी अमाउंट के नीचे होना चाहिए जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकती है एग्जम्पशन करंट ईयर में। और करंट ईयर में जितनी भी वो सर्विसेस लेगा लीगल सर्विसेस, ओके, और जितने बार भी लेगा सब एग्जम्पशन में रहेगा करंट ईयर में। दूसरी बात, करंट ईयर में उसका टर्नओवर क्यों ना यहाँ पे 200 लाख हो, करंट ईयर के टर्नओवर पे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये एग्जम्पशन आपने प्रीवियस ईयर की कंडीशन अगर फुलफिल कर दी तो आपको करंट ईयर में इस बिजनेस एंटिटी को करंट ईयर में रिवर चार्ज में लीगल सर्विस पे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आरसीएम में कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना उसका टर्नओवर करंट ईयर में, ओके भाई, 200 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ भी हुआ होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसने प्रीवियस ईयर की कंडीशन फुलफिल कर दी, करंट ईयर में जितनी भी लीगल सर्विस लेगा, एक बार लेगा, 100 बार लेगा, वो सभी सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगी। ओके, तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी अप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एडवोकेट को भी अप्लीकेबल है, और ये सीनियर एडवोकेट के केस में भी अप्लीकेबल है फॉर बिजनेस एंटिटी। आर यू गेटिंग मी, यस और नो? ओके, तो थोड़ा हम एक एनालिसिस करते हैं। ओके, तो राइट डाउन एनालिसिस हियर। ओके, पहले मैं टेबल ड्रॉ करूंगा, फिर आपने ड्रॉ करना। केसेस, नेचर ऑफ सर्विस, एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड,
देन टर्नओवर इन पीएफआई, इन पीएफआई स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन पीएफआई एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड लास्ट एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन इन करंट फाइनेंशियल ईयर ब्रैकेट में लीगल सर्विस और एनालिसिस पे लिखना डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जम्पशन डोंट राइट एनीथिंग पहले मुझे कंप्लीट करने दो एग्जम्पशन फॉर लीगल सर्विस और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एटी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी दिस शुड बी योर टाइटल इतने कॉलम करो एक एनालिसिस करो चलो ये ड्रॉ करो वहां जगह इनसफिशिएंट होती है तो फिर नोटबुक में ड्रॉ करो चलिए तो एक काम थोड़ा चेंज कर लो ये नेचर ऑफ सप्लाई कर लेना नेचर ऑफ सर्विस नहीं नेचर ऑफ सप्लाई और बाकी आपने ड्रॉ किया होगा केस ए लेते हैं केस ए उसमें उसका सप्लाई ऑफ सर्विस है थ्रेशोल्ड उसे 20 लाख का एलिजिबल है क्योंकि वो मणिपुर मेघालय सॉरी मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा या नागालैंड में नहीं है ये चार स्टेट में 10 लाख है वो स्टेट में नहीं है वो 20 लाख वाले इसमें आता है उसका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 15 लाख ही हुआ प्रीवियस ईयर में वो अनरजिस्टर्ड बंदा था
करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर उसका 18 लाख ही है और करंट ईयर में भी उसका स्टेटस अनरजिस्टर्ड ही है, अनरजिस्टर्ड ही है। क्या उसे जिसने जो लीगल सर्विस ली करंट फिनेंशियल ईयर में, लीगल सर्विस ली करंट फिनेंशियल ईयर में, क्या उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा? यस, एग्जम एंड नो आरसीएम, एंड नो आरसीएम, एग्जम रहेगा और आरसीएम नहीं लगेगा। दूसरा सिचुएशन बी, उसने सप्लाई ऑफ गुड्स किया, उसने सप्लाई ऑफ गुड्स किया, ध्यान से देखना, उसको थ्रेशोल्ड अप्लीकेबल है 40 लाख सेक्शन 23 के तहत। प्रीवियस ईयर का उसका एग्रीगेट टर्नओवर, बी केयरफुल, प्रीवियस ईयर का उसका एग्रीगेट टर्नओवर 25 लाख था, अब एग्जम्पशन के हिसाब से आंसर देना, स्टेटस अनरजिस्टर्ड था, करंट ईयर का उसका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ 70 लाख हो गया और स्टेटस रजिस्टर्ड हो गया, स्टेटस रजिस्टर्ड हुआ, बी केयरफुल, ध्यान से आंसर देना बेटा, 25 लाख था वो 40 लाख के लिए एलिजिबल था, तो 40 लाख उसका थ्रेशोल्ड लिमिट थी, 25 लाख ही टर्नओवर हुआ था पिछले साल इसलिए रजिस्टर्ड नहीं था, करंट ईयर में 70 लाख तक पहुंच गया, यहाँ पे रजिस्टर बंदा है, सिचुएशन क्या होगी? करंट ईयर में जितनी भी वो लीगल सर्विस लेगा क्या होगा? वो लीगल सर्विस पूरे साल भर में जितने भी लेगा क्या एग्जम्प्ट रहेगा? आंसर इज बेटा क्या, यस एग्जम्प्ट रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, क्यों? कि करंट ईयर में वो रजिस्टर्ड है नहीं है, करंट ईयर का टर्नओवर क्या है उससे लेना देना नहीं है, उससे लेना देना नहीं है ना, वो सिचुएशन में उसे एग्जम्पशन मिलेगा एंड नो आरसीएम, आरसीएम नहीं लगेगा। नाउ केस थ्री, अगर आप समझ रहे हो इस बात को तो तीसरी केस लेते हैं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में या सप्लाई ऑफ गुड्स में है, 10 लाख लिमिट है क्योंकि MMT टू नागालैंड, कुछ याद है आपको वो MMT मतलब क्या बेटा? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, MMT टू नागालैंड वो स्टेट में बनता है, इसलिए उसको 10 लाख का ही लिमिट मिलता है। पिछले साल उसने 8 लाख का टर्नओवर किया, बंदा अनरजिस्टर्ड था, करंट ईयर में उसने 40 लाख का टर्नओवर कर दिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, बताइए क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में यस आंसर सेम होगा कि वो एग्जम्प्ट रहेगा और उसे पूरे साल लीगल सर्विस का एग्जम्पशन मिलेगा फॉर एंटायर ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर उसकी वो ऐसे थ्रेशोल्ड में था कि उसकी लायबिलिटी जो है उसको एग्जम्पशन के बाहर रखती थी। नाउ डी केस, सुनिएगा ध्यान से, डी केस बड़ी अच्छी है। प्रीवियस ईयर में वो सप्लाई ऑफ सर्विस में था, 15 लाख का टर्नओवर किया, सॉरी उसको थ्रेशोल्ड अप्लीकेबल था 20 लाख, थ्रेशोल्ड अप्लीकेबल था 20 लाख, उसका टर्नओवर एक्चुअल 15 लाख ही था, पर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, वेरी गुड, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, मेरी बात समझे? मतलब वो रजिस्टर बंदा था, करंट ईयर में उसका टर्नओवर यहाँ पे 30 लाख हुआ और वो रजिस्ट्रेशन में ही है, अब बताइए क्या होगा, एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो 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 ध्यान से सुनना, उसका टर्नओवर उतना ही था जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, विच मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, पर बंदे ने एग्जम्पशन नहीं लिया, बंदे ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो क्या अब वो पिछले साल से ही रजिस्टर्ड बंदा था, तो क्या करंट ईयर में, क्योंकि करंट ईयर का तो टर्नओवर हम देखते ही नहीं है, करंट ईयर का स्टेटस भी हम नहीं देखते हैं, हम तो प्रीवियस ईयर के स्टेटस बेस के करंट ईयर में लीगल सर्विस का एग्जम्पशन दे देते हैं, तो सवाल आपसे ये है कि क्या करंट ईयर में उसे एग्जम्पशन मिलेगा क्या?
तो उसके लिए थोड़ा वर्डिंग से पढ़ते हैं। वर्डिंग से कहते हैं, अ बिजनेस एंटिटी विच एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट। पहले तो अगर आप वर्डिंग्स पढ़ो तो वर्डिंग से ये कहीं नहीं पता चलता है कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर बंदे ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा और थ्रेशोल्ड में होगा तो करंट ईयर में एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। जो अमेंडमेंट हुई वो अमेंडमेंट के हिसाब से ये है बेटा कि अगर पिछले साल उसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर उतने ही अमाउंट तक है जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, अब उसने एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन दिलवा सकता है। हाँ, उसने रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया उस पर बात नहीं है, बात अमाउंट पे चालू है। तो नाउ बात यह है कि बंदा रजिस्ट्रेशन ले चुका है, पर हाँ उसका टर्नओवर उतने ही अमाउंट तक था, कमा सुनिएगा, उसका टर्नओवर उतने ही अमाउंट तक था जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था। 15 लाख का ही टर्नओवर था एक्चुअल उसका, जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, विच मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। तो हमें प्रीवियस ईयर का डेटा लेते वक्त क्या यह देखना है कि वो बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है, या ये देखना है कि उसका टर्नओवर यानी टर्नओवर बेस जाना है कि उसका टर्नओवर उतने लिमिट में है जो उससे एग्जम्पशन दिलवा सकता है या दिलवा सकता था। तो बेटा इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, वर्डिंग्स यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। एक इंटरप्रिटेशन यही आता है कि बंदे ने रजिस्ट्रेशन ले लिया था, क्यों ना उसका 15 लाख हो, तो ऐसे सिचुएशन में करंट ईयर में रिवर चार्ज में लायबिलिटी आती है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये आता है कि वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसका टर्नओवर अप टू सर्टन अमाउंट था, अप टू सच अमाउंट था जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था। तो ऐसे केस में उसने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया होगा तो भी यहाँ उसे एग्जम्पशन मिलेगा। भाई यहाँ मैं अपना ओपिनियन, ऑथर ओपिनियन देता हूँ, सिचुएशन क्लियर नहीं है। ऑथर का क्या ओपिनियन है? ऑथर का ओपिनियन है कि एग्जम्पशन मिलना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट डिस्कशन, डोंट सेंड व्हाट्सअप टू मी, और यूट्यूब के नीचे भी कोई कमेंट नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है। फोर्थ केस में मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो रजिस्टर्ड है या नहीं है ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर उतने लिमिट के अंदर था जो उसे एग्जम्पशन एलिजिबल करवा सकता था। तो एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एलिजिबल करवा सकता था, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से वो एग्जम्प्ट होना चाहिए एंड नो आरसीएम इज अप्लीकेबल। ये मेरा आपसे कहना है। आर यू गेटिंग मी बेटा? यस और नो? चलो, और अगर जगह होगी तो एक और केस, अगर जगह होगी तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो या सप्लाई ऑफ गुड्स हो, उसका समझ लो 20 लाख का ही थ्रेशोल्ड है और एक्चुअल टर्नओवर उसका 80 लाख था, मतलब थ्रेशोल्ड के ऊपर ही था, बंदा रजिस्टर्ड था, करंट ईयर में 120 लाख है, बंदा रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो एग्जम्पशन, उसको कोई एग्जम्पशन, नो एग्जम्पशन एंड आरसीएम इज़ अप्लीकेबल। ओके, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में मोर देन थ्रेशोल्ड की वजह से उसे सवाल ही नहीं है, करेंट ईयर में कोई एग्जम्पशन उसे नहीं मिलेगा। तो बेटा ये टेबल हमने देखा। एक एनालिसिस हमने किया ये एरिया में। चलो, यहाँ हमने ख़त्म किया लीगल सेक्टर, कम ऑन, यहाँ हमने ख़त्म किया लीगल सेक्टर, ठीक है। उसके बाद में बेटा सेम प्रोविजन गवर्नमेंट सेक्टर में भी थी, अगर आपको याद होगा, सुनिए ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे
अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। आई रिपीट, गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है वो केस में। लेकिन अगर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख उसके नीचे हो, पुरानी प्रोविजन उसके नीचे हो, तो एग्जम्पशन होगा, रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ से भी 20 लाख और 10 लाख हटा दिया है और उसके जगह वही वर्ड लाए, सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट। ओके, तो अब गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, आई रिपीट, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उतने लिमिट तक था जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, तो ऐसे केस में करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट से ली उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। और वैसे ये जो थ्रेशोल्ड वाला एग्जम्पशन है, ये टर्नओवर वाला एग्जम्पशन है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, रेंट ओके वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अप्लीकेबल नहीं होता है, और रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी को भी अप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज किसी को भी दो, कितने रुपए के भी दो, तो भी टैक्सेबल है, और वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, वो रिवर्स नहीं, वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। या फिर रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी ये सर्विसेज किसी भी को भी दो, ओके, तो ये टैक्सेबल रहेगी। वो फिर वो सामने वाली बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 ओके थ्रेशोल्ड के नीचे हो या ना हो, उससे लेना देना नहीं है, वो टैक्सेबल रहेगी बेटा यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिमिलर लाइन पे अमेंडमेंट हुई। ओके, नेक्स्ट, ये हमने देखा गवर्नमेंट सेक्टर में सिमिलर लाइन पे ये अमेंडमेंट की गई। नेक्स्ट बेटा, एक एग्जम्पशन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में सेक्टर में सर्विस बाय वे ऑफ हायर, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, अंडरलाइन हायर, टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मीन टू कैरी आउट मोर देन 12 पैसेंजर। नाउ गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैंने ये एग्जम्पशन पढ़ाया था, एक्चुअली ये एग्जम्पशन गुड्स ट्रांसपोर्ट का नहीं था, ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ऑन हायर। देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट सर्विस देना और हायरिंग देना, इन दोनों में फ़र्क है। ट्रांसपोर्ट सर्विस देना मतलब व्हीकल मेरा, व्हीकल मेरा, ड्राइवर मेरा, सब कुछ मेरा, पैसेंजर बैठेगा या गुड्स देगा और हम लेके जाएंगे, ये हुआ गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसमें कस्टडी आप मोटर व्हीकल की नहीं देते हो, आप जो है गुड मोटर व्हीकल की कस्टडी अपने पास रखते हो। मेरी बात समझ में आई आपको? मोटर व्हीकल की कस्टडी अपने पास रखते हो, ड्राइवर भी आपका होता है, सब कुछ आपका होता है, सामने वाला पैसेंजर बैठेगा और आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दोगे, सामने वाला गुड्स देगा और आप गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस दोगे। लेकिन हायरिंग सर्विस में जब आप कोई मोटर व्हीकल हायर पे देते हो, रेंट पे देते हो, तो आप उसे पूरी कस्टडी दे देते हो कि भाई ये रही कस्टडी, पूरी कस्टडी आपने उसको दे दी, बस मुझे रेंट दे दे, ओके, ओनरशिप आपके पास है, गुड्स की कस्टडी तू ले ले, ड्राइवर तेरा, कस्टडी तेरा, सब कुछ तेरा। तो ये बात हुई रिगार्डिंग टू गुड्स की कस्टडी। तो हम हायरिंग जो है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपने हायरिंग पे दिया टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोटर व्हीकल मीन फॉर मोर देन 12 पैसेंजर एंड ए बस, ओके, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि बस अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हो तो वो एग्जम्पशन में है। मतलब इन महाराष्ट्र ST कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट ओके कॉरपोरेशन अंडरटेकिंग्स, उनको देते हो बस हायर पे, कभी कभी उनको समर में, दिवाली सीजन में लगती है, तो वो एग्जम्प्ट है। इसमें अमेंडमेंट क्या हुई? अमेंडमेंट उन्होंने ये लाई, अगर आपने लोकल अथॉरिटी को बसेस खरीद के रेंट पे दी, तो लोकल अथॉरिटी को दिया और वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल होगा मीन टू कैरी आउट मोर देन 12 पैसेंजर, ये अमेंडमेंट आई बेटा। तो अमेंडमेंट ये है कि अगर आपने कोई यहाँ पे
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल जो बैटरी से चार्ज होता है या पावर से चार्ज होता है, ऐसी बस जैसे पुणे में आ गई है बेटा, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बस, अगर किसी ने, कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उसने बस खरीदा और ये लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंचायत इनको ये बसेस हायर पे दी, रेंट पे दी, ये समझ में आया, इनको ये बसेस रेंट पे दी, ओके, जिसमें नो डाउट पैसेंजर कैपेसिटी 12 से ज़्यादा है, तो उसको एग्जम्पशन दिया गया। तो पहले केस में अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को और दूसरे केस में लोकल अथॉरिटी को, ये डिफरेंस है। पहले केस में स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को बसेस देते हो, कम ऑन, आई नीड योर अटेंशन, पहले केस में स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को बसेस देते हो, फिर वो कोई भी बस दो, पहले केस में तो कोई भी बस दो, वो पेट्रोल बस दो, डीजल बस दो, या आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बस दो, वो तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया तो एग्जाम। दूसरा, स्पेशली लोकल अथॉरिटी को आपने अगर पेट्रोल वाली बस दी तो एग्जम्पशन नहीं, आपने डीजल वाली बस दी तो एग्जम्पशन नहीं, अगर लोकल अथॉरिटी को आपने रेंट पे दी और वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ईओवी वाली व्हीकल अगर आपने लोकल अथॉरिटी को दिया तो ही एग्जम्पशन दिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो ही एग्जम्पशन दिया जाएगा। उसके बाद में आपने मोटर व्हीकल जीटीए को दिया तो एग्जम्पशन है, और आपने नेक्स्ट बाकी तो वही है, या आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को मोटर व्हीकल दिया जो आगे स्कूल को सर्विस देता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी स्टाफ और स्टूडेंट, यानी आपने ऐसे बस ऑपरेटर को बसेस हायर पे दी, मोटर व्हीकल हायर पे दिया जो आगे स्कूल को सर्विसेज दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, देन दैट इज एग्जम्प्टेड। तो इसमें बस एक छोटी सी अमेंडमेंट ये हुई है कि लोकल अथॉरिटी को ईओवी वाली बसेस दिया तो उसे एग्जम्पशन दिया जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस एरिया में, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है बेटा, ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कुछ एग्जम्पशन। 19A और 19B में एक छोटा सा एग्जम्पशन हुआ है, अगर आपको याद होगा तो सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, और दूसरा वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, थोड़ा याद दिला दूं। मैंने ये एग्जम्पशन इस तरह से पढ़ाया था, बाहर से अगर गुड्स बाय वेसल आ रहा है और बाहर से गुड्स बाय एयर आ रहा है, एयरक्राफ्ट से आ रहा है, गुड्स बेटा हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ गुड्स की बात कर रहे हैं, नाउ बाय एयरक्राफ्ट आता है बाहर से इंडिया में, तो ये एयरक्राफ्ट वाला एग्जम्पशन, एयरक्राफ्ट से आता है बाहर से इंडिया में तो एग्जम था, लेकिन वेसल से आता है तो टैक्सेबल था, टैक्सेबल था, और शिपिंग कंपनी फॉरेन शिपिंग कंपनी हो तो रिवर चार्ज में जो है उसके ऊपर टैक्स आता था। नाउ सेकेंड, अगर आपका याद होगा टू इंडिया ट्रांसपोर्टेशन होगा, इंडिया टू इंडिया ट्रांसपोर्टेशन होगा, हो सकता है बाय वेसल हो और बाय एयर हो, ओके, बाय एयर हो तो इंडिया टू इंडिया ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल और एयरक्राफ्ट ये टैक्सेबल होगा। लेकिन बात अब क्या है, बात है अगर कोई एयरलाइन कंपनी, ध्यान से देखना, एयरलाइन कंपनी या शिपिंग कंपनी, एयरलाइन कंपनी या शिपिंग कंपनी इंडिया के कोई एक्सपोर्टर को उसके गुड्स, नाउ एक्सपोर्टर के जो गुड्स है, वो गुड्स उनके शिप में या एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोर्ट करवा के दे रही है, फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, सो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो ये सर्विस इस एक्सपोर्टर के लिए है तो इनपुट सर्विस, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ये एक्सपोर्टर के लिए है तो इनपुट सर्विस बेटा, इनपुट सर्विस, उसने सर्विस ली अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया,
सो गवर्नमेंट कहती है वो जो सर्विस लेने वाला एक्सपोर्टर वो सर्विस जो है एग्जम्प्ट रहेगी, इनकी सर्विस जो है एग्जम्प्ट रहेगी, इन पे कोई टैक्स नहीं होगा। पहले ये एग्जम्पशन ये एग्जम्पशन 30 सितंबर 2019 तक ही था, उसके बाद नहीं था, पर ये एग्जम्पशन अब एक्सटेंड करके 2020 तक कर दिया गया है। मतलब कोई भी शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी, सुनिएगा, कोई भी शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे और ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंडियन एक्सपोर्टर को दे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम दिस प्लेस टू आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी और ये ट्रांसपोर्टेशन पे फिलहाल सितंबर 2020 तक कोई टैक्स नहीं आएगा। बहुत बड़ा रिलीफ था बेटा एक्सपोर्टर को, क्योंकि एक्सपोर्टर को जो भी वो सर्विस लेता है फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, क्योंकि एक्सपोर्ट गुड्स जीरो रेटेड सप्लाई होता है, तो जो भी वो सर्विस लेता है फॉर एक्सपोर्ट गुड्स तो वो केस में जीरो रेट सप्लाई में उसे रिफंड मिलता है या ITC मिलता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में रिफंड क्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे केस में एग्जम्पशन ही अवेलेबल है, तो मेजर उसकी सर्विस जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो एग्जम्पशन में ही रहेगी, मतलब रिफंड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये एग्जम्पशन लिमिटेड पीरियड तक है और वो 2020 तक ही एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद में शायद गवर्नमेंट रिफंड देना चाहती है, एग्जम्पशन नहीं देना चाहती है। अभी तो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दिया एक्सपोर्टर को, यानी अगर ये सर्विस एक्सपोर्टर लेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो फिलहाल तो एग्जम्पशन में है, पर ये एग्जम्पशन गवर्नमेंट सितंबर 2020 तक ही देना चाहती है, बाद में शायद गवर्नमेंट रिफंड दे। आर यू गेटिंग मी? तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे दोनों केस में, वो एयरक्राफ्ट हो या वेसल हो, दोनों केस में एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट चल, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें एक वाला ये था कि होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट बाय व्हाट एवर द नेम कॉल्ड फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन बिलो और इक्वल्स टू 1000 और 1000 पर डे और इक्विवेलेंट, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं वो क्या था। अब सुनिए, जैसे अगर आप एग्जम्पशन पढ़ोगे बेटा, सामने बुक रखो तो ही ये अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आएगी, अगर आपको पुरानी प्रोविजन याद होगी, ठीक है। एग्जम्पशन ऐसा था कि इंडिया के सभी होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट, जो रेसिडेंशियल मतलब अपनी रूम्स रहने के लिए जो रूम्स होती हैं वो अगर रेंट पे दे रहे हैं और जो रूम रेंट पे दी जा रही है उसकी वैल्यू, आई रिपीट, उसकी वैल्यू उनकी 1000 से कम होगी तो एग्जम्पशन मिलेगा। समझ लो मेरा होटल है, आपने ऐसी रूम बुक की जिसकी नेट वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, जब भी मैं वैल्यू कहूँगा तो 15-1, 15-2, 15-3, 15-1 ट्रांजेक्शन वैल्यू, 15-2 के एडिशन और 15-3 का डिडक्शन डिस्काउंट का, तो ऐड करके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड करके डिस्काउंट डिडक्ट करके जितनी वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर यहाँ 1000 से कम होगी तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन मिलेगा। समझ लो मेरे होटल में 2-3 कैटेगरीज की रूम्स है, आपने यहाँ पे 900 वाली रूम बुक किया, कम ऑन, आपने यहाँ पे 900 वाली रूम बुक किया तो ऐसे सिचुएशन में टोटल सभी डिस्काउंट काट कर ऐड करके 900 रुपये हुए तो ऐसे सिचुएशन में टैक्स नहीं आएगा। कोई दूसरा कस्टमर आया उसने 1500 रुपये वाली बुक किया, सब ऐड करके डिस्काउंट डिडक्ट करके सब कुछ जो लेना देना करके सब नेट उसका रूम रेंट फाइनल हुआ 1500 रुपये तो उसको मैं GST लगाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है कुछ इनवॉइस में मैं GST नहीं लगा रहा हूँ, कुछ इनवॉइस में मैं GST लगा रहा हूँ। तो इसमें एक बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई, पहले वर्ड था बिलो 1000, अब उन्होंने इक्वल्स टू 1000 कर दिया है। अब इक्वल्स टू 1000 किया है मतलब क्या, मतलब डॉट 1000 तक भी अगर आपका रूम रेंट होगा तो आपको एक एग्जम्पशन मिलेगा।
ओके, वैल्यू अगर 1000 तक भी होगी तो नहीं मिलेगा। आगे जो उन्होंने वर्ड इक्विवेलेंट किया है, ये सिर्फ इक्विवेलेंट तो पहले से था नहीं, ये इक्विवेलेंट का मतलब ओके, कोई आप होटल के वाउचर ला रहे हो और वो वाउचर की वैल्यू, होटल वाउचर्स होते हैं, वो वाउचर की वैल्यू 1000 या उससे कम होगी, तो इक्विवेलेंट का मीनिंग वो था कि 1000 मनी में दे रहे हो या इक्विवेलेंट कंसिडरेशन में दे रहे हो। इक्विवेलेंट कंसिडरेशन में भी वाउचर या डॉलर, आप डॉलर में, मैं बिल डॉलर में बना रहा हूँ, तो अगर मैं बिल डॉलर में बना रहा हूँ और वो डॉलर में जो बिल बना है उसको कन्वर्ट करके अगर अमाउंट 1000 से कम होगा तो नौ या इक्वल्स टू 1000 होगा तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जम्पशन था ओके यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वो है सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बेटल लीव्स, टेंड्यू लीव्स और कॉफ़ी एंड टी, इसको एग्जम्पशन दिया हुआ है। ओके, अगर इसका स्टोरेज सर्विस या वेयरहाउसिंग सर्विस होती, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूँ, नाउ वेयरहाउसिंग और स्टोरेज को अलग अलग जगह एग्जम्पशन दिया हुआ है, इस पे प्रॉब्लम भी वो बना सकते हैं इस बार, उनका कोई भरोसा नहीं। अगर आपको याद होगा तो एपी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन दी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स एनी प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑन विच नो प्रोसेसिंग इज डन और सच प्रोसेसिंग इज डन विच यूजुअली डन बाय कल्टिवेटर और प्रोड्यूसर विच डज नॉट चेंज एसेंशियल कैरेक्टर बट मेक इट मार्केटेबल टू द कंज्यूमर। मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो एग्रीकल्चर फार्म से निकला हुआ प्रोड्यूस, ज्वार, वेजिटेबल, फ्रूट्स, उसके बाद में यहाँ पे कॉटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस पर हमने डिस्कशन किया है। अगर आप एग्रीकल्चर सर्विस देखोगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा जो एज इट इज़ फार्म से निकला होगा या उस पर कोई ऐसी प्रोसेसिंग ना की गई हो जो यूजुअली कल्टीवेट, जो किसी थर्ड पार्टी ने की होगी, मतलब वो उतनी ही प्रोसेस की होगी जो यूजुअली कल्टीवेटर करता है, तो उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाएगा और उसका वेयरहाउसिंग और स्टोरेज जो है वो पहले से ही एग्जम था। उसके बाद में राइस को स्पेशल एग्जम्पशन दिया गया, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, कुछ याद आया आपको, राइस यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तो वेयरहाउसिंग और स्टोरेज के केस में एपी को उन्होंने एग्जम्पशन दिया। उसके बाद में राइस को लोडिंग अनलोडिंग राइस को एग्जम्पशन दिया और नाउ तीसरा एग्जम्पशन, ये उन्होंने लंबी लिस्ट बना के दी है और ये तीसरा एग्जम्पशन ये लिस्ट में मिलने वाला है। क्या, जैसे सीरियल्स और पल्सेस, देखना मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, सीरियल्स और पल्सेस जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, जैसे चना, हरबरा, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पर उसके वेयरहाउसिंग को अलग से एग्जम्पशन दे दिया। फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल, मैं थोड़ा तो सरप्राइज हूँ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बोलने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, क्यों, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ऑलरेडी एपी है, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो ऐसे सिचुएशन में, ध्यान से सुनिएगा, वो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो पहले से ही एग्जम्प्ट है, पर चलो इस लिस्ट में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना, ओके, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन भी फिर से देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि शुगर केन ऑलरेडी एपी है, तो यहाँ फिर से देने की ज़रूरत नहीं, पर दे दिया तो पढ़ लेना। हाँ, जैगरी एपी नहीं है, उसको दिया गया। रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, उसको दिया गया। इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको को दिया गया। बीटल लीव्स और टेंडू लीव्स को दिया गया। कॉफ़ी और टी को भी दे दिया यारो, जैसे हमने एक क्लैरिफिकेशन पढ़ा था कि कॉफ़ी और टी है एपी नहीं है, टी लीव्स एपी है, टी पाउडर या कॉफ़ी एपी नहीं है, पर कॉफ़ी और टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, इसको भी एग्जम्पशन दे दिया है, या बीटल लीव्स और टेंडू लीव्स को भी एग्जम्पशन दे दिया गया है। तो ये एग्जम्पशन आने के बाद एक जो क्लैरिफिकेशन दिया था सीबीआईसी ने
ये बहुत से बुक में प्रिंट नहीं हुआ, पहले जो मैंने पहली अमेंडमेंट बुक रिलीज़ की थी उसमें ये प्रिंट नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा। ओके, और ये क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता दूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर, कम ऑन, एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है, पढ़ाया भी है, पर ये एग्जम्पशन आने के बाद इस क्लैरिफिकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा है। तो आपको ये क्लैरिफिकेशन अगर आपके अमेंडमेंट नोट्स में प्रिंट भी नहीं हुआ होगा तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के ओके हमारे डिस्कशन के नीचे मिल जाएगा। पहले ये क्लैरिफिकेशन आया था कि टी का वेयरहाउसिंग टैक्सेबल रहेगा, लेकिन ये सीरियल नंबर की एंट्री आने के बाद, एग्जम्पशन आने के बाद, अब टी जो है उन्होंने एग्जम कर दिया है, मतलब पहला दिया हुआ क्लैरिफिकेशन अब कोई काम का नहीं है। दूसरा, जैगरी ये कहा था कि उसका वेयरहाउसिंग टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अब जैगरी भी इसमें आ गया है ये लिस्ट में, इसलिए अब वो एग्जम रहेगा। नेक्स्ट बेटा, वेयरहाउसिंग ऑफ पल्सेस पहले ये कहा था टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अब उन्होंने पल्सेस भी कवर कर लिया है तो अब वो एग्जम रहेगा। इस बार वेयरहाउसिंग और स्टोरेज पे छोटा सा केस स्टडी या प्रॉब्लम बना सकते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ भी वेयरहाउसिंग और स्टोरेज आप पढ़े हो उसकी एक लिस्ट बनाओ, कहाँ कहाँ एग्जम्पशन अवेलेबल है ये जरूर देखो। जैसे एक कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा होगा, वेयरहाउसिंग ऑफ बिस्किट्स क्या एग्जम्प्ट है? नहीं, क्योंकि बिस्किट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है और कहीं पे भी यहाँ पे भी बिस्किट्स नहीं आते हैं। पर बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टी, जैगरी, पल्सेस जो है ये एंट्री आने के बाद, सुनिए, ये एंट्री आने के बाद अब इनके वेयरहाउसिंग और स्टोरेज को एग्जम्पशन दे दिया है, बड़ी खुशी की बात है। आर यू गेटिंग मी? तो चलो, वो केस में एग्जम्पशन मिल गया है। ये था एग्जम्पशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एंट्री, पढ़ के जाइएगा। हाँ, नेक्स्ट बेटा, एग्जम्पशन स्पोर्ट्स सेक्टर में दिया है। तो ये स्पोर्ट्स सेक्टर में क्या है, देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू, दोनों भी कवर्ड किया है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, मैं इतना बड़ा नाम यूज नहीं करूँगा, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। सो बेटा सिंपल वर्ड में, ओके, अगर किसी ने भी सर्विस फीफा को दी या फीफा ने किसी को भी दी, दोनों केस में एग्जम्पशन दिया गया है। एंड इट्स सब्सिडरी, सिर्फ फीफा नहीं, फीफा ने बनाई हुई सब्सिडरीज को भी एग्जम्पशन है, यानी फीफा ने दोनों भी, फीफा एज वेल एज इट्स सब्सिडरीज, मतलब फीफा की सब्सिडरीज होगी और उनको सर्विस दिया गया या उन्होंने किसी और को सर्विस दिया तो एग्जम्पशन मिलेगा। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इवेंट अंडर फीफा U17 वुमन वर्ल्ड कप 2020 होस्टेड इन इंडिया, 2020 में फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है। तो भाई वुमेन वर्ल्ड कप है तो हमें तो इसको अनटच रखना है। तो इस फीफा को दिया गया कोई भी सर्विस और इनसे लिया गया कोई भी सर्विस, नॉट ओनली इनके इनके बच्चों को यानी सब्सिडरीज को दिया हुआ कोई भी सर्विस और उनसे लिया हुआ कोई भी सर्विस एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन एक शर्त डाल दी, क्या शर्त डाल दी, provided that director sports ministry of youth affairs and sports certifies that such service are directly or indirectly used for event of FIFA, lekin ye zaruri hai ki hamari ministry of youth affair use certify kare, yani jo bhi aap service de rahe ho ya FIFA ke service de raha hai to us pe ye certify hona chahiye ki ye jo service hai ye FIFA event ke liye use ki gayi hai. Aur next, FIFA U17 Women World Cup 2020 service by way of right to admission, यानि टिकट चार्जेस, जो भी ये वुमेंस वर्ल्ड कप देखने जाएगा उसकी जो टिकट चार्जेस होगी उस पर भी GST नहीं लगाया जाएगा, उस पर भी बेटा GST नहीं लगाया जाएगा। तो उन्होंने यहाँ ये एग्जम्पशन दिया। ओके, तो स्पोर्ट्स सेक्टर में ये दो एग्जम्पशंस थे। नेक्स्ट, इंश्योरेंस सेक्टर में एक एग्जम्पशन बेटा, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो ये देख लीजिएगा, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द कंसर्न सेंट्रल आर पुलिस फोर्स। तो देखो पुलिस फोर्स स्टेट की होती है और सेंट्रल की होती है, तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है इनका एक ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है, और वो ग्रुप इंश्योरेंस फंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो ये पुलिस फोर्स होती है वो अपने मेंबर का इंश्योरेंस करवाता है, और अपने मेंबर का जो इंश्योरेंस करवाएगा तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर में इसको एग्जम्पशन दिया गया है। ये कुछ एग्जम्पशंस जो कॉमन थे CGST और IGST के। वेल बेटा एग्जम्पशन चैप्टर में नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन जो है वो देख लो। पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, इसमें एक प्रोविजन है एक्सप्लेनेशन टू एग्जम्पशन। एक्चुअली 11 सबसेक्शन 3 में ये जो है ये प्रोविजन क्या कहती है कि कभी कोई एग्जम्पशन इश्यू हो गया और एग्जम्पशन इश्यू होने के बाद या एग्जम्पशन ऑर्डर इश्यू होने के बाद कोई वर्ड्स में एम्बिग्यूटी होगी, कोई वर्ड्स डिफाइन नहीं है, एग्जम्पशन की अप्लीकेबिलिटी जो है वो कन्फ्यूजन में है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट एक साल के अंदर अंदर यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। आई रिपीट, गवर्नमेंट एक साल के अंदर अंदर उसका एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, और ये जो एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन इशू किया गया वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन माना जाएगा। जैसे मैं प्रोविजन पढ़ता हूँ, द गवर्नमेंट में इफ इट कंसिडर नेसेसरी और एक्सपेंडियंस सो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 और ऑर्डर इशूड अंडर सबसेक्शन 2 या इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन टू सच नोटिफिकेशन और ऑर्डर एज द केस में बी। तो वो आपका एग्जम्पशन नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो पहले इशू कही गई थी, जैसे आपको याद होगा तो दो टाइप के एग्जम्पशन होते हैं, जनरल एग्जम्पशन एंड एग्जम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर। तो पहले जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया गया था या स्पेशल ऑर्डर इशू की गई थी, तो वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर में अगर कोई कन्फ्यूजन एम्बिग्यूटी होगी तो उसका स्कोप बताने के लिए वो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकते हैं विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर। और लास्ट लाइन ये कहती है एवरी सच एक्सप्लेनेशन शैल टू हैव इफेक्ट एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन अ पार्ट एंड पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ फर्स्ट सच नोटिफिकेशन ऑर्डर। तो वो एक्सप्लेनेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन का ही पार्ट माना जाएगा। मतलब एक्सप्लेनेशन जो एनफोर्सेबल होगा वो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से ही एनफोर्सेबल होगा, और उसी दिन से ये एनफोर्सेबल माना जाएगा जिस दिन से ओरिजिनल एंट्री या नोटिफिकेशन इशू किया गया हो। सो सेक्शन 11(3) का एनालिसिस दिया है। तो अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या आया, क्लैरिफिकेशन ये आया, इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्लेनेशन हैविंग बीन इंसर्टेड अंडर सेक्शन 11(3) ऑफ CGST एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द एंट्री इन द नोटिफिकेशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिफिकेशन बिकम इफेक्टिव। थोड़ा ये समझ लेना, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है भाई, पहला नोटिफिकेशन आया, अब ये क्लैरिफिकेशन देखो क्या दिया है उन्होंने, फर्स्ट नोटिफिकेशन आया, उसके बाद में इसी नोटिफिकेशन में सेकंड स्टेप कुछ एंट्री ऐड हुई, इसी नोटिफिकेशन में एंट्री ऐड हुई, और थर्ड इसी नोटिफिकेशन में एंट्री ऐड हुई, और थर्ड बेटा इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन आया, तो वो कहते हैं ये एक्सप्लेनेशन जो इफेक्टिव होगा वो उस दिन से होगा जिस दिन से एंट्री ऐड की गई।
आई रिपीट, ये उस दिन से होगा जिस दिन से एंट्री ऐड किया गया, एंड उस दिन से नहीं होगा जिस दिन से ये नोटिफिकेशन लाया गया। आर यू गेटिंग मी? तो जिस दिन से नोटिफिकेशन लाया गया उस दिन से नहीं बेटा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो ऐड हुआ वो उस एंट्री का ऐड हुआ, इसलिए जब वो एंट्री ऐड हुई थी उस दिन से ये इनफोर्सिएबल माना जाएगा, ये इफेक्टिव माना जाएगा। देन चलिए, उन्होंने एग्जांपल भी दिया, द प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 11/2017 इंट्रोड्यूस ऑन 28 जून केम इनटू फोर्स ऑन 1st जुलाई। ठीक है, तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन की डेट 1st जुलाई है, देर आफ्टर न्यू एंट्री, उसमें एंट्री लाई गई और वो 21 सितंबर से एंट्री ऐड की गई। सब्सिक्वेंटली एन एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो इंसर्टेड विद रिस्पेक्ट टू एंट्री नंबर 36 ऑन 26/7/2018 में। हाँ, उस एंट्री का एक्सप्लेनेशन 2018 में जुलाई में आया। अल्दो इफेक्टिव डेट ऑफ डेट मेंशन इन नोटिफिकेशन इज 27/7/18, द सेड एक्सप्लेनेशन विल बी इफेक्टिव ऑन 21/9/17 एंड नॉट 27/7/18। ओके, सुनिएगा, सो इन सिंपल वर्ड उनका ये कहना है, यहां पे ओरिजिनल नोटिफिकेशन, हाँ उनका ये कहना है कि इवन दो ये एक्सप्लेनेशन 26 तारीख को यहां पे 26 जुलाई 2018 को नोटिफाई हुआ और वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंसर्ट किया गया 27 जुलाई को, यानी 26 जुलाई को वो इंसर्ट किया गया और 27 जुलाई से यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में आया होगा, लेकिन उस नोटिफिकेशन जो एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन है वो उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा जिस दिन से उस एंट्री इंट्रोड्यूस की गई। तो उससे रिलेटेड एंट्री जो है ये 21 सितंबर को इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उसी दिन से वो इफेक्टिव माना जाएगा। चलो इसको हम इसमें देखते हैं, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन ये जो है ये 1st जुलाई से इफेक्टिव हुआ, एंट्री नंबर 3 लाई गई 21 सितंबर से, एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया, एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड और ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया 26/7 को, जो 27/7 से नोटिफिकेशन डिस्प्ले हुआ, तो इसकी इफेक्टिव डेट 21/9/2017 मानी जाएगी जिस दिन वो एंट्री नोटिफिकेशन में आई। तो इन सिंपल वर्ड ये जहाँ तक है, उन्होंने थोड़ा यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया कि कब से वो इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट थी बेटा यहाँ पे सेक्शन 11 में, ये एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया था। नेक्स्ट, नाउ एक और क्लैरिफिकेशन जो है, रेसिडेंटल यहाँ पे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इस एसोसिएशन ने सीबीआईसी को एक क्लैरिफिकेशन मांगा। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्लैरिफिकेशन क्या मांगा गया। जैसे कोई भी रेसिडेंट हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, तो वो सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोली जाएगी। अगर आपको बिजनेस की डेफिनेशन पता है तो वो सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोली जाएगी, और सप्लाई में उसके ऊपर जीएसटी भी आएगा, सप्लाई में जीएसटी भी आएगा। लेकिन अगर ये रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है, और यहाँ वो जो रिम्बर्समेंट मेंटेनेंस चार्जेस
रिइंबर्समेंट ले रही है, रिइंबर्समेंट उसको हम मंथली मेंटेनेंस चार्जेस कहेंगे, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। और ये मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, ये रिइंबर्समेंट फॉर कॉमन गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड, कॉमन सर्विसेज और गुड्स प्रोक्योर्ड, इसके लिए अपने मेंबर से मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है। तो अगर आपको याद होगा तो ये कॉमन गुड्स और सर्विसेज के जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है अप टू 7,500 पर मेंबर, अप टू 7,500 पर मेंबर पर यूनिट, पर यूनिट। सो पर मेंबर पर यूनिट ये 7,500 तक एग्जम्प्शन दिया गया है। तो अप टू 7,500 पर मेंबर पर यूनिट जो है यहाँ ये एग्जम्प्शन दिया गया है। लेकिन अगर यही अदर सर्विसेज देती है, अदर सर्विसेज यानी आपकी हाउसिंग सोसाइटी अदर सर्विसेज, कोई ईयरली इवेंट रख रही है उसकी एंट्री टिकट चार्जेस, या कोई भी अदर सर्विसेज दे रही है, तो वो टैक्सेबल है, उसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सिर्फ मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो कॉमन गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योरमेंट का रिइंबर्समेंट है उसको एग्जम्पशन दिया गया, और वो एग्जम्पशन 7,500 पर यूनिट को दिया गया, जिसले यहाँ हाउसिंग सोसाइटी को। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अदर सर्विसेज जैसे हमारे हाउसिंग सोसाइटी में डांडिया के प्रोग्राम होता है, गणपति फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें अगर कोई सोसाइटी चार्जेस यहाँ पे ले रही है, टिकट चार्जेस ले रही है, तो ऑल दो सर्विसेज आर टैक्सेबल। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये जो एग्जम्पशन है 7,500, इसके ऊपर थोड़ी हम बात करेंगे, और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा गया। वो क्लैरिफिकेशन क्या मांगा गया? आर मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेसिडेंट टू रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन अ हाउसिंग सोसाइटी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST? एंड इफ यस, इज देयर इज अपर लिमिट फॉर अमाउंट चार्जेस? तो क्या ये मेंटेनेंस चार्जेस एग्जम्प्ट होंगे? ऑब्वियसली एग्जम्प्ट होंगे बेटा। तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय रेसिडेंशियल ओके वेलफेयर सोसाइटी टू इट्स मेंबर बाय वे ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस अप टू 7,000 पर मंथ पर मेंबर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड गुड्स फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी ओके इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये बेटा सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को एग्जम्प्ट है, कमर्शियल को नहीं, ये एग्जम्प्शन में रहेगा। चलो, इनको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया CBIC को, स्टेट वेदर RWA रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे GST ऑन मेंटेनेंस चार्जेस वेयर अमाउंट ऑफ सर चार्जेस इज मोर देन 7,500 पर मंथ पर मेंबर बट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सच RWA इज 20 lakhs और लेस इन फाइनेंशियल ईयर। थोड़ा ये समझ लो, समझ लो एक अपार्टमेंट स्कीम है या हाउसिंग सोसाइटी है, अपार्टमेंट स्कीम या हाउसिंग सोसाइटी है, और उसमें जो है यहाँ पे 10 flats ही है या 10 houses ही है, 10 houses ही है, पर ये सोसाइटी या अपार्टमेंट है, सोसाइटी या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसमें 10 houses है। अब ये 10 houses का पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस है, पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस है 10,000 लेते हैं, 10,000 यहां पर मंथ पर मेंबर ठीक है। तो ईयरली ये हो जाते हैं ओके, सो यहाँ पे ईयरली ये हो जाते हैं 10,000 × 10 houses है, 10 members है, 12 मतलब ये हो जाते हैं 12 lakh rupees। सो ये 12 lakh rupees का ही टोटल इनकम हाउसिंग सोसाइटी का है, 12 lakh rupees का ही इनकम पूरे साल का हाउसिंग सोसाइटी का है।
अब अगर आप इंडिविजुअली देखते हो तो ये जो है 7500 से ज़्यादा है, 7500 से इंडिविजुअली ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि पर मेंबर 7500 तक ही एग्जम्पशन मिलेगा, ये तो इंडिविजुअल 7500 से ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में हाँ 7500 से ज़्यादा है, लेकिन ये सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख ही है, जो थ्रेशोल्ड से कम है, 20 लाख से कम है, तो क्या इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और क्या इन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और क्या इन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो आंसर यह है कि नहीं। ओके, अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे है तो क्यों ना पर मेंबर अमाउंट 7500 से ज़्यादा होगा, पर अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे जीएसटी देने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये 10,000 पे पर मेंबर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सो देखिए एक क्लैरिफिकेशन क्या था यहाँ पे, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ 20 लाख से कम है तो पर मेंबर 7500 तक तो एग्जम्प्ट रह गई, और अगर आपका 7500 से लेस होगा तो ये तो एग्जम्प्ट रह गई एज पर एग्जम्प्शन नोटिफिकेशन। और अगर आपका 7500 से ऊपर होगा तो भी यहाँ पे थ्रेशोल्ड में रहोगे, आप थ्रेशोल्ड में ही रहोगे और आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हाउसिंग सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर पर मेंबर 7500 और लेस होगा तो ये एग्जम्प्ट होगा एज पर एग्जम्प्शन नोटिफिकेशन। और अगर 7500 से ज़्यादा होगा तो नॉट एग्जम्प्ट और ये टैक्सेबल होगा, इसे कोई थ्रेशोल्ड नहीं दिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी बेटा? तो ये एक क्लैरिफिकेशन आया। फिर एक और सवाल आया, वेदर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन एंटाइटल टू टेक ITC ऑफ GST पेड इनवर्ट सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज यूज बाई इट फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई टू इट्स मेंबर एंड यूज सच ITC फॉर डिस्चार्ज ऑफ GST लाइबिलिटी ऑन सच सप्लाईज वेयर कॉमन अमाउंट चार्ज फॉर सच सप्लाईज इज मोर देन 7500 पर मंथ पर मेंबर। मैंने तो आपके साथ पढ़ा, पर आपका ध्यान है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो पूछ क्या रहे हैं। चलिए, वो पूछ ये रहे बेटा कि जैसे फिर से लेते हैं, ये हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, ये कॉमन गुड्स परचेस कर रही है बाहर से, थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी से गुड्स परचेस कर रही है, सर्विसेज परचेस कर रही है कॉमन, जिसके ऊपर GST लग के आ रहा है, स्वीपर सर्विस, उसके बाद में क्लीनिंग सर्विस, ये सर्विस, हाउस टैंक क्लीनिंग सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स, स्टेशनरीज वगैरह परचेस कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो ये कॉमन GST लग के आ रहा है उसके ऊपर। नाउ अब इसमें 50 ऐसे मेंबर्स है, फ्लैट्स है या हाउस है, जिसका मंथली मेंटेनेंस यहाँ पे उनका 6000 पर मेंबर पर मंथ है और 30 ऐसे मेंबर्स हैं जिनका बंगलो विला वगैरह है और 8000 पर मंथ पर मेंबर है। तो अब जिसका 6000 है, इस 6000 पर GST नहीं लगाया जाएगा, 50 मेंबर्स को एग्जम्पशन मिल जाएगा
और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, पर जिसका 8,000 पर मेंबर है ये टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा। आर यू गेटिंग मी बेटा? तो चलिए, सो इनके इनवॉइसेस पे जीएसटी लगाया जाएगा। अब सवाल ये है कि इन्होंने जो कॉमन गुड्स और सर्विसेज परचेस किए हैं, क्या इनके आईटीसी मिलेंगे? तो यस बेटा, आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी रुका नहीं गया है, वो इनपुट हो, कैपिटल गुड्स हो, इनपुट सर्विस हो, आईटीसी अवेलेबल। लेकिन इनका सप्लाई कुछ एग्जम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, तो इस आईटीसी को यहाँ पे अपोर्शन करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। ओके, और जितना टैक्सेबल से रिलेटेड है उतना ही मिलेगा। कम ऑन, ओके, टैक्सेबल से रिलेटेड है उसका ही मिलेगा। तो यहाँ पे अपोर्शनमेंट के लिए अगर आपको याद होगा तो सीए फाइनल लेवल पे रूल 42 और रूल 43 लगता है। रूल 42 और 43 मतलब T1, T2, T3, T4 कुछ याद आया? या फिर वहाँ क्लॉज स्मॉल ए, क्लॉज स्मॉल बी, टीसी, टीएम, टीआरटी, तो कैपिटल गुड्स होगा तो वो अपोर्शनमेंट, तो उस तरह का अपोर्शनमेंट रेशियो लगाना पड़ेगा और उन्हें अपना आईटीसी बायफर्गेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? हाँ, एक दूसरा केस लेते हैं कि अगर आपके हाउसिंग सोसाइटी में सभी ओके फ्लैट्स वगैरह ऐसे हैं कि जो 7,500 से ज़्यादा है, तो वो सिचुएशन में ओके पूरा ही टैक्सेबल होगा, तो आपको आईटीसी तो पूरा ही मिलेगा। पर जहाँ ऐसा बायफर्गेशन आ रहा है वो सिचुएशन में आपको आईटीसी तो मिलेगा पर वो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे वो क्या कहते हैं, RWA आर इंटाइटल टू टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन देम ऑन कैपिटल गुड्स जस्ट सच एज जनरेटर, वाटर पंप, लॉन, फर्नीचर, गुड्स सच एज टेप, पाइप्स, अदर सैनिटरी हार्डवेयर फिटिंग्स एंड इनपुट सर्विसेज। आईटीसी तो मिलेगा, बट राइट डाउन, इफ दे आर यूज इन कॉमन सप्लाई, इन कॉमन सप्लाई दैट इज एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल देन आईटीसी रिक्वायर्ड टू अपोर्शन एज पर सेक्शन 70, रीड विथ एज पर सेक्शन 17 रीड विथ रूल 42 एंड रूल 43 देन उसके बाद में नेक्स्ट इश्यू जो पूछा गया था, वेर अ पर्सन ओन टू और मोर फ्लैट्स इन हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वेदर सीलिंग रुपीज 7,500 पर मंथ पर मेंबर ऑन मेंटेनेंस फॉर द एग्जम्पशन टू बी अवेलेबल शैल बी अप्लाइड पर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और पर पर्सन। बेटा अगर स्कीम में मेरे दो फ्लैट है तो दोनों का मिला के 7,500 का ही एग्जम्पशन मिलेगा क्योंकि दोनों फ्लैट का ओनर मैं ही हूँ, या फिर पर फ्लैट 7,500 मिलेगा? तो बेटा पर फ्लैट 7,500 मिलेगा, तो यहाँ पे 7,400 पर मेंबर शैल बी अप्लाइड सेपरेटली फॉर ईच रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ओन बाय हिम। आर यू गेटिंग मी? ओके, नेक्स्ट इश्यू नंबर 5, हाउ शुड द RWA कैलकुलेट जीएसटी पेबल वेयर मेंटेनेंस चार्जेस एक्सीड्स 7,500 पर मंथ पर मेंबर? इज द जीएसटी पेबल ओनली द अमाउंट एक्सीडिंग 7,500 और ऑन एंटायर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस? सुनिए, अगर आपके मेंटेनेंस चार्जेस समझ लो 9,000 रुपये पर मंथ है, एग्जाम्पल लेते हैं 9,000 रुपये पर मंथ है, तो ऐसे केस में क्या 9,000 माइनस 7,500 लिया जाएगा या टोटल 9,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा? पहले थोड़ा कन्फ्यूजन था ये क्लैरिफिकेशन आने के पहले, और कन्फ्यूजन ये था कि कुछ लोग ये मानते थे कि पूरे 9,000 पे देना पड़ेगा, कुछ ये लोग ये मानते थे कि नहीं, बचा हुआ 1,500 पे ही देना पड़ेगा, तो कन्फ्यूजन था बेटा। लेकिन अब क्लैरिफिकेशन जो CBIC का आया है, ये क्लैरिफिकेशन यह है कि आपको जो है यहाँ पे एंटायर 9,000 पे देना पड़ेगा एंड नॉट ऑन 1,500।
एंटायर 9000 पे देना पड़ेगा एंड नॉट ऑन 1500। आर यू गेटिंग मी? तो ओके 7500 ये एग्जम्पशन सिर्फ क्राइटेरिया है। कम ऑन, 7500 सिर्फ क्राइटेरिया है फॉर एग्जम्पशन। अगर उससे ज्यादा अमाउंट होगी तो पूरे अमाउंट पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी बेटा? तो पूरे अमाउंट पे आपको जीएसटी देना है। दूसरी बात, यहां मेरे क्वेश्चन में जब इसके ऊपर क्वेश्चन लिया गया तो मैंने ओल्ड इंटरप्रिटेशन वहां पे लिया हुआ है और उसको करेक्शन करना रह गया, तो आपने उसका करेक्शन कर लेना। बाय मिस्टेक क्वेश्चन में मैंने 1500 लिया था जो ओल्ड इंटरप्रिटेशन था, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आया है तो उतना आपको करेक्ट करना है अगर आप मेरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और आपको यहाँ पे 1500 नहीं 9000 पे जीएसटी देना पड़ेगा। पर बेटा ये क्लैरिफिकेशन है, चैलेंज कर सकते हैं, पर एग्जाम में आप जो है इसके अगेंस्ट में मत जाना, आपने पूरे 9000 पे जीएसटी लगाना है, तो उतना आपको यहाँ पे करेक्शन कर लेना है। इन दिस वे हमने ये क्लैरिफिकेशन देखा एग्जम्पशन में। नाउ नेक्स्ट, एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर पे क्लैरिफिकेशन आया है। अब क्या, थोड़ा बता देता हूं। पहले मैं एग्जम्पशन से शुरुआत करता हूं। एग्जम्पशन ऐसा था बेटा, एग्जम्पशन ऐसा था, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्ट अमेंडमेंट बैच देख रहे होगे तो एटलीस्ट बुक तो भी ओपन करके रखो तो थोड़ा बहुत रिकॉल होगा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कौन, स्कूल्स या फिर ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन दे रहा है अंडर द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ मतलब कोई भी ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन दे रही है ऐसे करिकुलम में जिससे आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हो और वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडियन लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हो तो उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। और थर्ड वाला अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेस। नाउ ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस, एनी सर्विस अपने स्टूडेंट, कोई भी सर्विस अपने स्टूडेंट या फैकल्टी या स्टाफ को देती है तो वो एग्जम्पशन में रहेगी। कोई भी सर्विस अपने स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को देती है तो उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? ठीक है, तो अब इसमें यहां पे देखिएगा, सो एनी सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ देन इट इज टोटली एग्जम्प्टेड। नाउ हु आर यू बेटा? यहां पे क्लैरिफिकेशन ये मांगा गया, वेदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एग्जम्पशन टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड मैरिटाइम कोर्सेस, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड मैरिटाइम कोर्सेस कंडक्टेड बाय मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो लीगल प्रोविजन अभी अभी मैंने बताई सीरियल नंबर 66 में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसी हर वो इंस्टीट्यूशन आती है जो क्वालिफिकेशन दे रही है रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर टाइम बी इन फोर्स, तो वो केस में आपको जीएसटी एग्जम्पशन मिलेगा अगर आप वो सभी कंडीशन फुलफिल करोगे। नाउ इंडिया में एक एक्ट है जो मैरिटाइम शिपिंग एक्ट है, उसके बाद में सेक्शन 878 और मैरिटाइम शिपिंग रूल्स भी है और रूल 9 ऑफ सेड रूल, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एम्पावर्ड ओके फॉर डेसिग्नेटेड असेसमेंट
जिसमें वो ट्रेनिंग कोर्सेज दे सकते हैं। ये आपके लिए कोई काम का नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इन ओके मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और यहाँ पे रूल्स के तहत, यहाँ रूल्स टू मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2014 के तहत डायरेक्टर जनरल ओके कुछ इंस्टीट्यूट को एम्पावर कर सकता है जो ट्रेनिंग और प्रोग्राम ले सके। इस पे बेटा लास्ट यही स्टूडेंट को याद रखना है, बाकी रीड करना है तो कर लेना। क्या याद रखना है? फ्रॉम अबो डिस्कशन इट सीन दैट मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर ट्रेनिंग कोर्सेज आर अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग विच आर ड्यूली रिकॉग्नाइज अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 रीड विथ मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2014। Therefore, maritime institute are educational institution under the GST law and courses conducted by them is exempted from the payment of tax. मतलब सिंपल वर्ड में आपको अगर मैं ये कहूँ तो ये जो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है वो डायरेक्टर जनरल उन्हें अप्रूव कर रहा है और डायरेक्टर जनरल को अप्रूव करने की पावर मर्चेंट शिपिंग एक्ट और रूल्स के तहत दी गई है, इसलिए वो रिकग्नाइज बाय लॉ कहा जाएगा। और अगर वो रिकग्नाइज बाय लॉ कहा जाएगा तो वो इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को कोई भी सर्विसेज देती है तो वो एग्जम्पशन में रहेगी। आर यू गेटिंग मी बेटा? तो वो एग्जम्पशन में रहेगी। सो ये हमने एग्जम्पशन से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस ओके और कुछ नई एंट्रीज जो एंटर हुई, कुछ एग्जिस्टिंग एंट्री अमेंड हुई, ये पूरा डिस्कशन खत्म किया है। डन बेटा? ओके। नाउ चैप्टर है टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट, वो छोटी सी अमेंडमेंट हुई है ये चैप्टर में, कोई ज़्यादा बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। एक QR कोड से रिलेटेड हुई है और एक QR कोड की सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट यही है कि आपका टैक्स इनवॉइस हो या बिल ऑफ सप्लाई हो, आपके इनवॉइस पे आपको QR कोड जनरेट करना पड़ेगा। ये एक मार्क के लिए MCQ क्वेश्चन के लिए आ सकता है। तो टैक्स इनवॉइस हो, बिल ऑफ सप्लाई हो या कुछ भी हो, नाउ यू हैव टू जनरेट योर QR कोड ऑन द इनवॉइस। उसका प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पे बाय नोटिफिकेशन दिया है, तो ये प्रोसीजर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यस QR कोड ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट उन्होंने लाई है। उसके बाद में सेक्शन 31(3)(b) ऑफ CGST एक्ट, इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। सेक्शन 31(3)(b) ऑफ CGST एक्ट क्या था, चलो यहाँ फटाफट समझ लो। सेक्शन 31(3)(b) ऑफ CGST एक्ट ये था कि अगर आप B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपका इनवॉइस वैल्यू 200 से कम है, आई रिपीट, इनवॉइस वैल्यू लेस देन 200 है और ट्रांजेक्शन B2C है, तो वो सिचुएशन में आपने हर इंडिविजुअल केस में इनवॉइस नहीं भी दिया तो चलेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे इस पे क्या इनवॉइस दें, ओके, तो अब कोई चॉकलेट खरीदने आएगा ग्रोसरी शॉप में, कोई छोटा सा आइटम लेने आएगा, तो सब इसमें इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है। हर ट्रांजेक्शन का टैक्स इनवॉइस बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डन। तो ये एक छोटा सा प्रोविज़न था, लेकिन उसमें रूल 46 में ये भी कंडीशन थी कि ये सिर्फ B2C ट्रांजेक्शन में हो सकता है, अनरजिस्टर्ड केस में हो सकता है। और दूसरा जो है यहाँ पे यस, अगर आपका बायर टैक्स इनवॉइस मांग रहा है तो आपको देना पड़ेगा, अगर वो टैक्स इनवॉइस नहीं मांग रहा है तो ठीक है, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके दिन के हुए हैं और बिलो 200 हुए हैं, ध्यान से सुनना, जो भी ट्रांजेक्शन फॉर एंटायर डे हुआ है और लेस देन 200 हुआ है, तो वो सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे यस, वो ट्रांजेक्शन्स जो उसका एक एट द एंड ऑफ द डे, आई रिपीट, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना पड़ेगा, एक सिंगल इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और वो सिंगल इनवॉइस जो है आपको यहाँ पे इशू जनरेट करके रखना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। ये प्रोविज़न थी। इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है और वो देखो क्या, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लायर एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑफ
एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। सबसे पहले तो आपका ध्यान लाना चाहूँगा, ये अमेंडमेंट सिर्फ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए है। ये जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है उनके लिए ही अमेंडमेंट की गई है। और वर्ड है अदर देन, ध्यान से देखिएगा, वर्ड है अदर देन, मतलब क्या? अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जाते हो और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में आपकी टिकट ही आपका इनवॉइस माना जाएगा, आगे मैं प्रोविजन में बता दूंगा, स्पेशल प्रोविजन में आगे करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखते हो तो रूल 54 में भी किया है, मैं आपको बताऊंगा। पर अभी आप यहाँ देखिएगा, अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जाते हो और वो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में यहाँ टिकट ही आपका इनवॉइस माना जाता है, और वो टिकट का अमाउंट अगर 200 रुपये से कम भी होगा तो भी आपको टिकट इशू करनी पड़ेगी, इवन दो ट्रांजेक्शन इज़ B2C ट्रांजेक्शन। दिस अमेंडमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन में ये अमेंडमेंट पे सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर से, ओके, यहाँ अगर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में अगर आप सिनेमा देखने जा रहे हो और अमाउंट क्यों ना 200 से कम हो, आई रिपीट, अमाउंट क्यों ना 200 से कम हो, लेकिन वो केस में टिकट इशू करनी पड़ेगी, और टिकट ही आगे रूल 54 में मैं बताऊंगा, टिकट ही आपका इनवॉइस माना जाएगा। आर यू गेटिंग मी, यस और नो? चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू एक छोटी सी अमेंडमेंट। बाकी QR कोड के केस में तो हमने देख लिया था QR कोड होना ज़रूरी है, ये तो दोनों के लिए आ गया बेटा। बिल ऑफ सप्लाई के केस में भी अगर आपका बिल ऑफ सप्लाई होगा तो वो केस में भी QR कोड होना ज़रूरी है, जो नीचे वाली जो लाइन है। ओके, ये नीचे वाली लाइन QR कोड की, ये एक रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो छोटी सी अमेंडमेंट थी इंद्र, ओके, सेक्शन 31 में। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो रूल 54 में एक छोटी सी और अमेंडमेंट हुई है। रूल 54 में क्या अमेंडमेंट हुई है? जैसे अगर आप रूल 54 पढ़ते हो तो रूल 54 में बेटा ऑलरेडी हमने ये नोट्स में देखा है क्या, कि कुछ स्पेशल केसेस में आपको जो इनवॉइस की रूल 46 के तहत इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, लाइक बैंकिंग सेक्टर है तो सीरियल नंबर या एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ये नहीं भी दिया तो चलता है, हमने ये देखा ऑलरेडी, ठीक है। अब बेटा यहाँ कुछ स्पेशल केस में इनवॉइस थोड़े बहुत चेंज भी किए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल होगी, तो ये रूल 54 में उन्होंने स्पेशल केसेस कवर किए। जैसे GTA में आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके कंसाइनमेंट नोट में देनी पड़ेगी। उसके बाद में पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में टिकट ही इनवॉइस माना जाएगा। तो ये जो चीज़ें है यहाँ पे ये हमने देखा, लेकिन यहाँ एक न्यू एंट्री ऐड हुई है, और वो न्यू एंट्री क्या ऐड हुई है? एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। ओके, तो अभी मैंने कहा कि अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जाते हो तो ऐसे केस में आपकी इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, और उसमें रिसिपिएंट डिटेल्स नहीं भी होगा तो भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स ही आपका टैक्स इनवॉइस माना जाएगा, और बाकी अदर रूल 46 का आपको इन्फॉर्मेशन उसमें देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट सप्लायर ऑफ सर्विस इज इन अ स्क्रीन अदर देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में एट इज ऑप्शन फॉलो द अबव प्रोसीजर। हाँ, अब ध्यान पे सुनिएगा, ये जो रिक्वायरमेंट आई है, अभी हमने मल्टीप्लेक्स स्क्रीन से रिलेटेड दो रिक्वायरमेंट देखी। पहले तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक टिकट ही इनवॉइस मान ली जाएगी, उसमें रिसिपिएंट का नाम नहीं भी दिया तो भी चलेगा, आई रिपीट, रिसिपिएंट का नाम नहीं भी दिया तो भी चलेगा, पर बाकी रूल 46 की अदर इन्फॉर्मेशन वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट में होना जरूरी है, यानी जो नॉर्मली टैक्स इनवॉइस में इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ रूल 46। हाँ, पर एक बात उन्होंने नीचे लिखी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो नीचे दी है, कौन सी बात उन्होंने लिखी है कि ये जो प्रोसीजर है, ओके, ई टिकट ही इनवॉइस माना जाएगा, रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं दिया तो भी चलेगा, और रूल 46 की जो इन्फॉर्मेशन वो पूरी देनी पड़ेगी, ये सिर्फ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए ही लागू है। आई रिपीट,
मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए ही लागू है। अदर जो नॉर्मल स्क्रीन में सिनेमा दिखा रहे हैं, नॉर्मल स्क्रीन वाले वो ऑप्शनल, अगर वो चाहे, आई रिपीट, ऑप्शनल मतलब वो चाहे तो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोसीजर वो केस में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जाओगे तो आपको जो ई टिकट आती है ऑनलाइन बुक करोगे वो इनवॉइस मान लिया जाएगा, ओके, और उसमें सभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पर ओनली इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन एंड नॉट फॉर अदर्स। इसलिए इसके पहले वाले जो हमने अमेंडमेंट देखा 200 रुपये से नीचे, वो भी सिर्फ मल्टीप्लेक्स को अप्लीकेबल है। अगर आप नॉर्मल स्क्रीन में सिनेमा देखने जाते हो तो वो सिचुएशन में अमाउंट 200 से कम होगा तो शायद वहाँ पे, ओके, हो सकता है कि इन्वॉइस नहीं भी दिया तो चलेगा, ओके, पर देते ही है, टिकट्स मिलती ही है। पर ओके, जो एक्सेप्शन आया है 200 रुपीज़ के क्राइटेरिया में, वो एक्सेप्शंस ओनली फॉर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए आया है, ओके, अदर स्क्रीन के लिए नहीं है। इसका मतलब ओके, 200 रुपये से कम वाला वैल्यू होगा तो नॉर्मल स्क्रीन में अगर इनवॉइस नहीं भी दिया तो चलेगा एज़ पर लॉ। वो बात अलग है कि वो केस में टिकट देते ही है, पर इनवॉइस नहीं भी दिया तो चलेगा, लेकिन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन होगा और अमाउंट 200 से कम होगा तो इनवॉइस देना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे कुछ छोटी सी अमेंडमेंट्स इन द टॉपिक ऑफ इनवॉइस, ठीक है। वेल, थोड़ा ईवे बिल से रिलेटेड जो एक बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई वो अमेंडमेंट हम डिस्कस करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड आपको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बैकग्राउंड ऐसा है बेटा यहाँ पे कि मल्टी मॉडल शिपमेंट, अब मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होती है, जैसे समझ लो आपको एक प्लेस से, समझ लो पुणे महाराष्ट्र से आपको जो भेजना है कन्याकुमारी गुड्स भेजना है, तो पहले ट्रक यूज़ किया गया, फिर ट्रेन यूज़ की गई, फिर शिप यूज़ की गई। यस, ये शिप वाला लेग इम्पॉर्टेंट है, ये यूज़ किया गया और वापस से ट्रक यूज़ किया गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, मल्टी मॉडल शिपमेंट, इसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, ठीक है, जिसमें एक लेग जो है ये शिप का है, शिप यूज़ की गई। तो कैसा होता था बेटा, जब मल्टी मॉडल हो रहा है तो ऑब्वियसली 100 किलोमीटर एक दिन में कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं था, फिर वो नॉर्मल कार्गो हो या और डायमेंशनल कार्गो, ठीक है। नॉर्मल कार्गो भी हो तो भी इतने सारे चेंज हो रहे हैं, जैसे आपको याद होगा तो ईवे बिल में पार्ट ए वाला पार्ट, ओके, यहाँ पे जो रजिस्टर पर्सन है या जो सप्लायर है वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। पार्ट बी जब ट्रांसशिपमेंट होता है, कम ऑन, पार्ट बी जब ट्रांसशिपमेंट होता है तो ये ट्रांसपोर्टर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वो ट्रांसपोर्टर पार्ट भी चेंज करते जाएंगे इन ई वे बिल। लेकिन एक दिन में 100 किलोमीटर कंप्लीट करना, नॉर्मल कार को ले लो, एक दिन में 100 किलोमीटर कंप्लीट करना, ओके, और वो भी ट्रक से शिप कर देना फटाफट, ओके, ट्रेन में, ट्रेन से शिप कर देना शिप में, और शिप से शिप कर देना वापस ट्रक में, ये प्रैक्टिकली एक दिन में 100 किलोमीटर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था, 100 किलोमीटर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए फिर उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट क्या किया, अमेंडमेंट ये किया बेटा कि अगर आपका कार्गो और डायमेंशनल कार्गो, अदर देन और डायमेंशनल कार्गो होगा तो जैसे आपको 100 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जा रहा है और आगे के 100 किलोमीटर के लिए और पार्ट देर ऑफ वन एडिशनल डे दिया जा रहा है, इतने दिन तक आपका ईवे बिल वैलिड रहेगा। मेरी बात समझ में आया, ईवे बिल वैलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन मल्टी मॉडल शिपमेंट एट विच वन लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टर बाय शिप, फिर ये, हाँ, अब मल्टी और क्या वर्ड डाला है, मल्टी मॉडल, फिर ये मल्टी मॉडल शिपमेंट जो होगी वो नॉर्मल कार्गो की होगी या और डायमेंशनल कार्गो की होगी, मतलब नॉर्मल और डायमेंशनल, नॉर्मल और डायमेंशनल,
ओके, कोई भी कार्गो अगर मल्टी मॉडल होगा और उसका एक लेग जो है, एक लेग जो है यहाँ पे शिप का होगा, तो ऐसे केस में 100 तो उसको अलाउड है और फॉर एडिशनल 100 तो अलाउड है, लेकिन अगर वो मल्टी मॉडल ओ डायमेंशनल कार्गो या नॉर्मल मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप, यानी ये मल्टी मॉडल शिपमेंट में क्यों ना ये नॉर्मल भी हो, और नॉर्मल वाले को 100 किलोमीटर करना पॉसिबल नहीं हो मल्टी मॉडल में, ओवर डायमेंशनल नहीं है नॉर्मल है, और नॉर्मल वाले को 100 किलोमीटर करना पॉसिबल नहीं है, तो वो एक दिन में अगर 20 किलोमीटर भी कंप्लीट कर ले तो उसका ई वे बिल वैलिड रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। यानी आज मल्टी मॉडल वालों के लिए 100 तो है ही, एज वेल एज ओके नॉर्मल मल्टी मॉडल होगा, क्योंकि इतने सारे ट्रांसशिपमेंट हो रहे हैं जिसमें एक लेग शिप का है, तो उनको 100 किलोमीटर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो उनको 20 किलोमीटर वाला भी ऑप्शन दिया गया है। तो फॉर एडिशनल 20 किलोमीटर वन डे एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी एक दिन में 20 किलोमीटर कंप्लीट किया तो भी चलेगा। तो आप प्योर हिंदी में लिख देना कि नॉर्मल मल्टी मॉडल कार्गो होगा, नॉर्मल मल्टी मॉडल कार्गो होगा, वो ओवर डायमेंशनल नहीं भी होगा, आई रिपीट ओवर डायमेंशनल नहीं भी होगा, तभी उसको यहाँ पे 120 किलोमीटर ही एक दिन में कंप्लीट करना है, तो उसका ई वे बिल वैलिड रहेगा। आई रिपीट नाउ, दूसरी अमेंडमेंट क्या हुई है, दूसरी अमेंडमेंट ये हुई है कि पहले ई वे बिल में अगर एक्सटेंशन चाहिए होता था, आई रिपीट ई वे बिल में अगर एक्सटेंशन चाहिए होता था, तो आपका टाइम खत्म होने के पहले, एक दिन खत्म होने के पहले अप्लाई करना पड़ता था। अब उन्होंने ओके आपका वन डे खत्म भी हो गया होगा या आपकी टाइम लिमिट खत्म भी होगी होगी, तो जिस दिन आपकी टाइम लिमिट खत्म हुई ओके, खत्म होने के बाद विद इन 8 आवर्स आप ओके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी एक्सपायरी होने के बाद विद इन 8 आवर्स आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक दूसरी अमेंडमेंट हुई। तो बेटा ये छोटी सी अमेंडमेंट थी ई वे बिल में, बाकी कोई अमेंडमेंट ई वे बिल में नहीं है। ओके डन। हेलो, रिटर्न और ई वे बिल, इसमें वैसे कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है रिटर्न और ई वे बिल में, बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है। ये तो वैसे आपको प्रैक्टिकली पता ही है कि जिसका टर्न और 2 करोड़ के नीचे है, देखो फाइलिंग ऑफ GSTR 9 एनुअल रिटर्न, ओके ये GSTR 9 जो है इसे एनुअल रिटर्न कहा जाता है। अच्छा मुझे बताइए बेटा एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, अगले साल की 31 दिसंबर, हाँ फिनेंशियल ईयर 17-18 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी, लेकिन नॉर्मली पूरे साल का एनुअल रिटर्न आपको अगले साल के 31 दिसंबर तक GSTR 9 में देना पड़ता है। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फिनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19, नाउ ये 2 साल के लिए जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे होगा और जिन्होंने एनुअल रिटर्न नहीं दिए होंगे, वो यहाँ पे अब चाहे तो दे सकते हैं, और अगर नहीं भी दिया तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने एनुअल रिटर्न फर्निश कर दिया है विद इन ड्यू डेट। सिंपल वर्ड में बताओ तो अब 17-18 और 18-19 के जो एनुअल रिटर्न है और जिसका टर्न और 2 करोड़ के नीचे है, उन्हें ऑप्शनल कर दिया है, यानी उन्हें एनुअल रिटर्न देना है तो दे, नहीं देना है तो मान लिया जाएगा। द एनुअल रिटर्न शॉल डीम टू बी फर्निश ऑन द डेट इफ इट इज हैज बीन नॉट फर्निश बिफोर द ड्यू डेट। मतलब ये GST लॉ ऐसा ही है कि नहीं दिया होगा तो छोड़ो भाई, मैं नहीं दिया, मान लेंगे कि आपने दे दिया है, तो ये कोई बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। दूसरी बेटा एक अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट भी एक छोटी सी अमेंडमेंट है, थोड़ा ये अमेंडमेंट का बैकग्राउंड मैं रहता हूँ। रूल 61(5), पहली बात तो रूल 61(1), 61(2), 61(3) इसमें एक प्रोसीजर दी गई थी। प्रोसीजर ये थी कि भाई हर रजिस्टर पर्सन जो है मंथली GSTR 1 देगा, जो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ देगा,
फिर 15 को GSTR 2 जो उसका इनवर्ट सप्लाई स्टेटमेंट है वो देगा, और इस GSTR 1 GSTR 2 से डेटा ऑटोमेटिक बोरो करके GSTR 3 जो है उसमें कुछ और एडिशनल डेटा देकर 20 तारीख को आपका रिटर्न जाएगा, वो है GSTR 3। तो एक बार ये प्रोसेस रहती थी कि GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट 10th को दिया जाएगा, GSTR 2 जो है इनवर्ट सप्लाई स्टेटमेंट ये 15 को फाइनल होगा, ये बात समझ में आया क्या, वो तुम्हारे ITC का स्टेटमेंट होगा, और GSTR 1 और 2 से डेटा लेकर आपका आधे से ज़्यादा GSTR 3 तो रेडी रहेगा, बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के आपको अगले महीने के 20 तारीख तक GSTR 3 फाइनल करना पड़ेगा। तो जब GST लाया गया तो ये ऑब्जेक्ट से लाया गया था कि चलो यार ये प्रोसेस अच्छी होगी, और सच में बहुत अच्छी प्रोसेस थी। लेकिन जब GST इम्प्लीमेंटेशन में आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के वजह से उसका GSTR 2 और 3 फाइल करना पॉसिबल नहीं हुआ, और GSTR 1 जो है गवर्नमेंट ने लोगों से फाइल करवाया आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, पर GSTR 2 इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। बहुत सी तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से GSTN पोर्टल पे 2 फाइल नहीं हो पाए, और अगर GSTR 1 2 फाइल नहीं हो पाए तो GSTR 3 ऑब्वियसली फाइल होना पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने 2 और 3 को एक्सटेंशन देते गए, पर जब तक GSTR 3 फाइल नहीं होते हैं तब तक गवर्नमेंट ने सेक्शन 61(5) में 3B का प्रोविजन लाया कि चलो ठीक है आप GSTR 3 तब देना जब 2 आप डालोगे और 2 के बेस पे GSTR 3 फाइल करोगे, तब तक मंथली बेसिस पे आपको एक टेम्प्ररी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और वो टेम्प्ररी स्टेटमेंट GSTR 3 भी देना पड़ेगा। ठीक है, GSTR 3 भी आपको एक टेम्प्ररी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और वो अगले महीने के 20 तारीख को देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, आप एंड कंपनी इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, और इन्होंने कहा कि GSTR 3 भी रिटर्न ही नहीं है, वो तो जस्ट एक मंथली स्टेटमेंट कंप्लायंस है, वो तो रिटर्न ही नहीं है। क्यों रिटर्न नहीं है, क्यों, क्योंकि सेक्शन 61(5) में ये कहा गया है कि 3B तब तक दिया जाएगा जब तक एक्सटेंशन रहेगा GSTR 2 में, फाइनल रिटर्न तो GSTR 3 है, और GSTR 3 हमें बाद में सबमिट करना ही है। तो अगर GSTR 3 हमें बाद में सबमिट करना है जब GSTR 2 ऑपरेशन में आ जाएगा, तो फिर 3B तो जैसे एक स्टेटमेंट है। तो ये केस क्यों हुई थी, ये केस इसलिए हुई थी कि ITC लेने की लास्ट डेट थी, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC अगर आपको याद होगा तो अगले साल की सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट, आई रिपीट, अगले साल की सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो टाइम लिमिट थी। तो अब नाउ सब लोग ये मान रहे थे कि सितंबर की ड्यू डेट यानी 20 अक्टूबर जहां जब 3B फाइल होगा तो वो लास्ट डेट रहेगी फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC। लेकिन आप एंड कंपनी ने जो रिट पिटीशन फाइल किया, वो रिट पिटीशन इस बात पे फाइल किया कि सितंबर की जो ड्यू डेट, अगले साल की सितंबर की ड्यू डेट अक्टूबर 20 अक्टूबर ये 3B का ड्यू डेट है, GSTR 3 का तो है ही नहीं, क्योंकि GSTR 3 अभी तक पिक्चर में आया नहीं है, वो आगे फ्यूचर में फाइल करना पड़ेगा। तो नाउ अगर ITC सेक्शन 16(4) में जो रिटर्न की ड्यू डेट बोला है, तो रिटर्न की ड्यू डेट मतलब वो रिटर्न की ड्यू डेट जब उसका GSTR 3 फाइल होगा, और जब उसका GSTR 3 फाइल होगा तब वो लास्ट डेट मानी जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में 20 अक्टूबर ये 3B की डेट है और ये GSTR 3B की डेट है, तो वो लास्ट डेट नहीं मानी जाएगी। ये समझ रहे आप, वो लास्ट डेट नहीं मानी जाएगी बेटा, क्योंकि वो तो 3B की डेट है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो टाइम लिमिट है ITC की, वो 20 अक्टूबर नहीं मानी जाएगी, वो उस दिन माना जाएगा जिस दिन GSTR 3 फाइल होगा एक्चुअल में। अब 2.25 साल हो गए, 2.5 साल होते आ रहे हैं, और GSTR 3 अभी तक पिक्चर में नहीं आने वाला, पिक्चर में नहीं आया है, और आगे तो सब रिटर्न ही बदलने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये कहा कि यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की, और रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट देखो क्या की, हाँ, और एक बात बता दूँ, आप एंड कंपनी ने जो रिट पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल किया, हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया कि यस 3B ये रिटर्न नहीं है। अगर 3B ये रिटर्न नहीं है क्योंकि आगे GSTR 3 फाइल करने हैं, तो एक टेम्पररी स्टेटमेंट है, और अगर वो टेम्पररी स्टेटमेंट है तो ऐसे सिचुएशन में ITC का टाइम लिमिट तब तक माना जाएगा, ITC लेने का टाइम लिमिट तब तक माना जाएगा जब
जब तक उसका GSTR 3 फाइल नहीं होता है, कमा GSTR 3 फाइल नहीं होता है, तो गवर्नमेंट डर गई और गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे अमेंडमेंट किया। और क्या अमेंडमेंट किया बेटा, डायरेक्ट मैं अमेंडमेंट पढ़ता हूँ। द सेड रूल हैज़ बीन अमेंडेड रिट्रोस्पेक्टिवली, 61(5) रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया गया टू स्पेसिफाई दैट रिटर्न इन द फॉर्म GSTR 3B इज द रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) एंड दैट वेयर रिटर्न ऑफ GSTR 3B फर्निश बाय अ पर्सन देन सच पर्सन शाल नॉट रिक्वायर टू फर्निश GSTR 3। ओके, गवर्नमेंट ने कहा देखो देखो हम 1 जुलाई 2017 से ये मानेंगे, सुनेगा, 1 जुलाई 2017 से ये मानेंगे कि जो भी आपने 3B दिए वो आपके रिटर्न ही होंगे, वो रिटर्न ही होंगे। और अगर आपने 3B दे दिए होंगे तो GSTR 3 आपको अलग से सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और ये हाई कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे और रूल कर दिया गया, तो वो हाई कोर्ट का डिसीजन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही अमेंडमेंट पढ़ लो, ये 3 लाइन ही पढ़ लो, और वो कि यहाँ पे 3B ये रिटर्न मान लिया गया है रिट्रोस्पेक्टिवली, और जिसने भी 3B फाइल कर दिए उन्हें अब GSTR 3 देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एक अमेंडमेंट।